चलिए, सो फार आप लोगों को आवाज में कोई मसला हो तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। चलिए अब हम टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं अबाउट एमआरसी जीवन। अगर आप डिसाइड कर ही लिया है ना आफ्टर लिसनिंग बेनिफिट्स ऑफ एमआरसीजी एग्जाम, तो इस एग्जाम का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। यस, इसके थ्री पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1 और 2 दोनों ही थ्योरी बेस्ड एग्जाम्स हैं, और जो थर्ड पार्ट है वो क्लिनिकल है। कुछ सेशंस क्लिनिकल हैं, कुछ प्रैक्टिकल हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड है। सो आई विल बी मोर फोकस्ड ऑन पार्ट वन। पार्ट वन में टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 200 होते हैं, सिंगल बेस्ट आंसर्स। ठीक है, पेपर वन में 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स आते हैं, फिर 60 मिनट्स की ब्रेक होती है, फिर उसके बाद अगेन 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स होते हैं। ठीक है, और पार्ट टू और पार्ट थ्री को अगर मैं कंपेयर करूं तो पार्ट वन में कभी भी टाइम का मसला नहीं होता, बहुत एम्पल टाइम होता है इन फॉर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो एच पेपर काउंट सेम, 50% 50%। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज बनती है वो कंबाइंड बनती है। और ऐसा ऐसा नहीं है कि हर कोई भी स्टूडेंट 70% लेगा तो वो पास होगा, हर दफा चेंज होता है। इफ यू आर यू हैव अपेयर्ड इन लास्ट जुलाई एग्जाम, 4 जुलाई 2023 मैं कोट करती हूँ, तो दे विल टेक हाईएस्ट स्कोर एज ए स्टैंडर्ड, जिसमें से जो भी स्टूडेंट मैक्सिमम स्कोर लेगा फिर उसके मुताबिक दे विल सेट डिफिकल्टी लेवल एंड परसेंटाइल। ठीक है, और राउंड अबाउट अगर परसेंटाइल की बेस पे बात हो तो 68 to 70, मतलब अराउंड 70 जो है वो फ्लक्चुएट करता है पासिंग, 70% जो पासिंग स्कोर है फॉर एमआरसी जीवन। ठीक है, एमआरसी टू के लिए थोड़ा सा 65 तक आ जाता है, बट टू वन के लिए ये 68 और 70 के अराउंड ही रहता है, और ये आराम से डुएबल भी है। ठीक है, हाउ यू शुड स्टार्ट प्रेपरेशन, जस्ट ये बहुत अर्ली आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो कि एग्जाम आपने देना है, तो आपने सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने चेक करना है आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल भी हो या नहीं। इफ यू हैव डन एमबीबीएस, ठीक है, एंड यूर बेसिक हाउस, आराम से आप एलिजिबल हो। ठीक है, भेजनी कैसी एलिजिबिलिटी, वो एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि अगर मैं अब ऑब्वियसली मैं अभी भी बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन ये फिर भी आप लोगों को मसला होगा जब तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको ना बताया जाए। तो फ्रॉम वेरी बेसिक से एक छोटी वीडियो आई विल शेयर इट आफ्टर द सेशन, उसको देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर आपने 2024 में अपेयर होना है ना, 16 जनवरी 2024 में अपेयर होना है, तो आपने जो कॉलेज को भेजनी है अपनी एलिजिबिलिटी वो 29 सितंबर से पहले भेजनी है। उसके बाद फिर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजना है, और मेक श्योर ये 13 अक्टूबर से पहले भेजना है। उसके बाद फिर आपको बुकिंग विंडो की ईमेल आएगी, और फिर आपने अपना एग्जाम बुक कराना है। ठीक है, 14 नवंबर को, और ये 14 दिसंबर को बुकिंग विंडो भी क्लोज हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप 16 जनवरी को एग्जाम देंगे, और 13th आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले तो आपने अपना अकाउंट बनाना है। आरसीओजी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ जो है ये वेबसाइट इस कुछ इस तरह की नजर आएगी। ठीक है, और यहाँ जो है लिखा हुआ है कि हाउ टू रजिस्टर, या सर्च में जाके लिखने हाउ टू रजिस्टर, तो फिर वहाँ आप अपना अकाउंट बना लेंगे, अपना वैलिड जीमेल अकाउंट डालेंगे। ठीक है, वो प्लीज वैलिड डालिएगा, क्योंकि अब जब आप एक दफा रजिस्टर करेंगे तो ये जीमेल पार्ट थ्री या फॉरएवर आपके साथ लगी रहेगी। तो कोई ऐसे फैंसी सी ईमेल बना के नहीं लगा देनी कि बाद में वो भूल भी जाए या उसका बैकअप ना हो। तो जो आपकी ऑफिशियल ईमेल है आपने वो ही रखनी है, और उसका पासवर्ड भी याद रखना है, और उसको फ्रिक्वेंटली ओपन भी रखना है जब तक आप वन में जो है एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, चाचो जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे तो फिर आपका अकाउंट बन जाएगा, और वहां से आपका अपना एक स्पेसिफिक नंबर जनरेट हो जाएगा, और ये नंबर आपका सेम रहेगा टिल पार्ट थ्री, तो वो आपने याद रखना है। फिर आपने जब आपका ये अकाउंट बन गया है तो फिर आप अपना जो है उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, प्लीज उसको देख लीजिएगा, कौन सी चीजें स्कैन करके अटैच करनी है, कैसे ईमेल भेजनी है, क्या टाइटल रखना है, ईच एंड एवरीथिंग, फिर आपने उसको सेंड कर देना है। बट डू नॉट फॉरगेट कि आप अपना जो है कॉलेज नंबर उस पर जरूर लिखें। ठीक है, अच्छा,
ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, क्योंकि मैं पिछले 3-4 सेशन से ये देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स को इवन अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आती है, एलिजिबिलिटी भेजने में प्रॉब्लम आती है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आती है. तो ये चीजें साइड बाय साइड चलती ही रहती हैं, हाउ जितनी दफा आपको गाइड कर दिया जाए. तो सपोर्ट टीम आपके साथ ही रहेगी, दे विल गाइड यू एट ईच स्टेप. लेकिन फिर भी इनकी छोटी छोटी जो है वीडियोज हैं स्टेप बाय स्टेप, जस्ट के हाउ टू मेक या हाउ टू सेंड एलिजिबिलिटी या हाउ टू सेंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या हाउ टू बुक द एग्जाम, तो वो फिर जब आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे लाइव तभी आपको समझ आ जाएंगे. बट एनी वे ये मैंने प्रोसीजर लिखा भी हुआ है. ठीक है, मैं ये चाहती हूँ ज्यादातर बातें सिलेबस पे हूँ तो मैं स्किप कर रही हूँ इन चीजों को. बट ये चीजें भी मसला कर देती हैं अगर आप मतलब किसी भी पॉइंट पे आराम से फंस सकते हो तो इतनी भी ईजी नहीं है. यू नीड कोचिंग फॉर दिस एज वेल. महंगा एग्जाम है इंडिया पाकिस्तान बैंड बी में आता है, तो बैंड बी के जो है जो यूके या ब्रिटिश पॉन्ड्स में 528 अप्रॉक्सीमेटली इसकी बनेगी. आप अपने करेंसी रेट के मुताबिक कन्वर्ट कर लें, अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी रुपीज तो ये बन जाएंगे 2 लाख प्लस. ठीक है, ओके. अच्छा फिर ये मैं बाद में ही बताऊंगी आपको इसके बारे में. डॉक्टर हीरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंड्स? बैंड से क्या फर्क पड़ता है एग्जाम पे? सिर्फ फीस का पड़ता है या किसी और इशू का भी पड़ता है? नहीं नहीं, सिर्फ फीस फीस का पड़ता है. वो कहते हैं बैंड भी वाले थोड़े बेचारे गरीब है ना, इनसे कम पैसे ले तो दैट्स ओके. ठीक है, वरना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ यू आर अपीयरिंग फ्रॉम यूके तो फीस थोड़ी ज्यादा है. अच्छा, तो टोटल सब्जेक्ट्स हैं ये आपके, एनाटॉमी, फिजियो, एंडो, एम्ब्रियो, फार्मा, माइक्रो, इम्यूनो, पैथो, देखे भाले नाम है, एमबीबीएस में भी किए होंगे ना, क्लिनिकल मैनेजमेंट, बायोफिजिक्स, बायोस्टैट, एपिडेमियोलॉजी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड बायोकेमिस्ट्री, वही चीजें सारी रिवाइज करनी है. ठीक है, हाउएवर जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ आप देख रहे हैं कि एनाटॉमी से मैंने बताया हुआ कि सिंगल बेस्ट आंसर इसकी आपके एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंस है, तो एनाटॉमी 23 क्वेश्चन आ जाते हैं मैक्सिमम. ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा इसको सिर्फ दिखा रही हूँ, बट डिटेल में मैं आपको विद ईच सब्जेक्ट बताऊंगी. तो इसको देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें. एग्जाम आपका बुक हो गया या माइंड है तो फिर क्या करना है, सिलेबस से क्या मुराद है. ओके, तो ये दो किताबें हैं, यू कांट स्किप दीज टू. ठीक है, जो भी पार्ट वन करेगा वो सबसे पहले जो उसको दो किताबें सुनने को मिलेंगी वो है ऑक्सफोर्ड रिवीजन नोट्स और ऑक्सफोर्ड एसेंशियल गाइड. मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं है. ठीक है, दोनों ड्राई हैं, बोरिंग हैं. सो जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं दोनों में, अगर आपने से आपने एक चूज करनी है तो एसेंशियल नोट्स की बजाय आप गाइड चूज करें. ये थोड़ी ज्यादा इलेबोरेटिव है, लेकिन स्टूडेंट्स पास सिर्फ नोट्स रिवीजन नोट्स पढ़ के भी हो जाते हैं और स्टूडेंट्स पास सिर्फ एसेंशियल गाइड पढ़ के भी हो जाते हैं, और ऑब्वियसली जो दोनों कर लेते हैं पास तो वो भी हो जाते हैं. ठीक है, तो ये बुक्स हैं जो आपने थ्योरी के लिए करनी है, बट दे आर नॉट मैंडेटरी. अगर कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो किसी भी कोर्स पे यू नो ये वाजिब है कि वो इन बुक में जो चीजें ड्राई अंदाज में लिखी गई हैं, जो टेबल्स ड्राई अंदाज में बताई गई हैं, वो अच्छे अंदाज में आपको याद कराए, इनकी इम्पोर्टेंस बताए और इनको यू नो इजी टू रीड बनाए आपके लिए. लाइक पूरे पैराग्राफ्स नहीं पढ़ सकते आप, आपको जरूर ये हेल्प होनी चाहिए कि इस पूरे पैराग्राफ में ये बुलेट्स फॉर्म में हो और इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो बोल्ड हो, वो हाईलाइटेड हो, और साथ में ये भी मेंशन हो कि ये एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और बाकी जो इंफॉर्मेटिव तो चीजें हैं लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है वो ना हो, ताकि आपकी जो सारी अटेंशन है वो एग्जाम फोकस्ड या एग्जाम फेवरेट पॉइंट्स पे ज्यादा हो. ठीक है, तो ऑल्दो इट हमारी काफी एफर्ट लगी है, बहुत एफर्ट लगी है, बट वी हैव यू नो अचीव दैट टास्क. हमने एसेंशियल रिवीजन गाइड को और नोट्स को जो भी इनमें इम्पोर्टेंट मतलब चीजें थी उनको हमने एक तो मॉड्यूल वाइज लिखा है. ठीक है, फिर हमने ईजी टू रीड बनाया है, हमने उसको बुलेट्स दिए हैं, बोल्ड किया इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जो चीजें लेंथी थी और एग्जाम ओरिएंटेड नहीं थी उनको स्किप किया है, और जो चीजें एग्जाम ओरिएंटेड थी और इन दोनों किताबों में नहीं थी वो हमने ऐड की हैं. मोरओवर ये दोनों बुक्स जो हैं वो इनकी ये जो अब आपके कंट्रीज में अवेलेबल हैं वो काफी ओल्ड हैं, और जो गाइडलाइंस हैं स्पेसिफिकली माइक्रोबायोलॉजी, स्पेसिफिकली माइक्रोबायोस की जो एंटीबायोटिक्स हैं,
क्लिनिकल मैनेजमेंट या मैं कहूँ यस फार्मा में जो चीजें हैं वो थोड़ी सी चेंज हुई हैं, ठीक है। और एक कॉलेज या आरसीओजी जो है वो लेटेस्ट चीजें पसंद करता है, ओल्ड या पुरानी चीजें वो एग्जाम में देता भी नहीं है और ना ही वो इनकी की होती है। तो मैडम के जो ई नोट्स हैं वो अप टू डेट है और उन्होंने इन दोनों बुक्स को कंबाइन करके इजी टू रीड बना दिया स्टूडेंट्स के लिए, एंड दे आर अवेलेबल फॉर कोर स्टूडेंट्स ओनली। ओके, अच्छा ये तो थ्योरी की बात होगी। दूसरी बात ये कि आपकी ना ढेर सारी ना एमसीक्यूज की बुक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं। यू नेम देम, ये कोई निकलेंगी यू नो बोतल के जिनकी तरह 15-20, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो अच्छी बात तो ये, आई विल नॉट डिस्करेज कि आप ये पढ़े ना, ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक्चुअली इनह्यूमन है कि ये सारी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अगर आपने 4-5 मंथ में तैयारी करनी है तो ये इनह्यूमन है कि आप इनको पढ़ लें और फिर बाद में रिवाइज करें। तो जो चीज़ आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे एंड पे, तो फिर वो आपके लिए तो फायदेमंद नहीं होती। तो दैट्स वाई आप अपनी जो है वाइज जो है अप्रोच बनाएं और इन सब में से वो बुक्स चूज करें जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो है ना, ये दो किताबें हैं, बिलीव मी। पास एमआरसीओजी मुख्तलिफ किस्म के रंगों में आती रहती है। अगर आप किसी, आप बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में हैं, तो आप जो आपके लोकल बुक स्टोर्स हैं वो खुद पब्लिश कराते हैं, तो उसकी जो प्रिंट है या टाइटल है वो चेंज करते रहते हैं, बट अंदर एक ही जैसा है। इसकी सॉफ्ट कॉपीज भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप नहीं लेना चाहते हार्ड कॉपी तो सॉफ्ट कॉपीज भी अवेलेबल हैं, वहां से पढ़ लें। बट ये करनी है। Among all these 20 single best answers books, अगर आप मुझे कहें कि we can't do all these 20, आप हमें बता दें shortcut, वैसे shortcut होता नहीं है लेकिन for this exam, अगर आपकी theory अच्छी है तो, और आपने MCQs practice करने हैं, तो जितना आप practice करेंगे आप उतने ही confident होंगे। लेकिन आप उसमें से भी इसको narrow down करना चाहते हैं तो ये दो pool हैं, एक pass MRCOG और दूसरा आपके college का अपना pool, ठीक है, MRCOG papers। और ऑन एग्जामिनेशन बीएमजी भी अच्छा है, बट ये काफी लेंथी है, लेकिन अच्छा बहुत है। पास एमआरसीओजी के बाद अगर आप ऑन एग्जामिनेशन करते हैं तो दिस इज एनफ। इसके बाद इट डिपेंड्स कि कितना आपके पास टाइम है, आप रेखा करते हैं, एंट्री करते हैं, इट डिपेंड्स हाउ मच टाइम यू हैव, ठीक है। अच्छा, जो ये तो सिंगल बेस्ट आंसर्स की प्रैक्टिस है ना, जो पास पेपर्स का पूल है वो भी एक जॉइंट पूल है, ठीक है। एग्जाम वो तो पता नहीं 1990 से पता नहीं कब से एग्जाम चल रहा है, सारा ही आप देखेंगे तो वो इंटरनेट पे आ जाता है सर्फेस पे, लेकिन वो सारा भी करना जरूरी नहीं है। कुछ जो आपके खैर खां हैं इस एग्जाम की तैयारी में, आपको बताएंगे कि लास्ट 5 ईयर का पूल कर लें, कुछ खैर खां आपको बताएंगे लास्ट 10 ईयर का पूल कर लें, कुछ बताएंगे एंड पे जब एग्जाम बिल्कुल सर पे खड़ा होगा तो कहेंगे 10,000 क्वेश्चन है बस यही कर लो, ठीक है। तो एक्चुअली दे आर वेरी राइट, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो एमआरसीओजी बन का एग्जाम है ये रिपीट होता है फ्रॉम पूल, और 60% से ज्यादा ही होता है हमेशा, मतलब 60% तो बेस लाइन है ना, ये से ज्यादा ही होता है, ठीक है, तो ये होता है। तो जो आपने ज्यादा एफर्ट देनी है ना, पास एमआरसीओजी को देनी है और अपने पूल को देनी है, ठीक है। अच्छा, जो मेडियम का क्रैश कोर्स है उसमें लास्ट 10 ईयर के पूल कवर कराए जाते हैं। I don't know बाकी ऑर्गेनाइजेशन कोर्सेज कितने ईयर्स से करा रहे हैं, बट वी आर कवरिंग लास्ट 10 ईयर पूल। ओके, सो तरीका क्या है वैसे पढ़ने का, वेदर यू आर ज्वाइनिंग एनी कोर्स, आवर कोर्स आर नॉट, ये कोई हवा एग्जाम नहीं है, ये खुद से भी पास होने वाला, लेट मी टू बी यू नो वेरी ऑनेस्ट। थोड़ी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ जाएगी, थोड़ी सी खबारी है, बट नो वरीज, रूट भी अच्छा है इसका। तो आपने क्या करना है, आपने टॉपिक वाइज पढ़ना है, डोंट रीड ब्लाइंडली कि आज मैंने पूरी यू नो एंट्री खत्म करनी है। जो टॉपिक ही आपने नहीं पढ़ा तो हाउ योर माइंड विल मेक सेंस कि क्या की होगी, पे तो क्रैमिंग है ना, और वो बहुत वोलेटाइल होती है, वो एग्जाम में कौन सा आपके लिए बेनिफिट है, उसे कुछ भी नहीं है, भूल जाएगी कोडन से पहले काम खरीदनी एफर्ट की फिर। तो इसलिए जो आप सब्जेक्ट कर रहे हैं, लाइक इफ यू हैव स्टार्टेड जेनेटिक्स, तो फिर जेनेटिक्स के ही क्वेश्चन करें फ्रॉम यूर फेवरेट सिंगल बेस्ट आंसर बुक, जो भी है, पास एमआरसीओजी है, ऑन एग्जामिनेशन है या इंटरव्यू है या परीक्षा है या कुछ है, तो ये इससे आपको ज्यादा ये चुएबल लगेगी, ठीक है। तो ये मेरी टिप है आप लोगों से कि टॉपिक वाइज रहे प्लीज, आपका जो माइंड है ना, ये कोई डस्टबिन थोड़ी ना अच्छे डाल दो और जब आपको कोई चीज ढूंढनी हो तो आराम से निकल रहा है, कभी भी नहीं निकलेगी डस्टबिन में, तो कितना कचरा होता है, टाइम पे कुछ मिलता है, अब तो कुछ मिलता ही नहीं उसमें से।
तो हमारा माइंड तो बड़ा ही, इसमें तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं 70 से, वो तो बड़ा फाइनली उनके कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। जब तक उसको ऑर्गेनाइज तरीके से फिट नहीं करोगे ना, वो एग्जाम में नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते। व्हाट माय पॉइंट, अगर मैं लेट्स सपोज, अगर मैं किसी, मैं क्या बात करूँ, हाँ अगर मैं बात करूँ कि आपके क्लिनिकल एग्जाम में या माइक्रो में या पैथो में इन्फेक्शन बहुत आएंगे, ठीक है, आप सारे पढ़ लें, कोई कोई 15-20 तो कीड़े हैं, 15-20 तो कम है, कोई 100-200 कीड़े हैं, तो हाउ यू विल कम टू नो कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा पैरासिटिक है, कौन सा फंगल है, कौन सा वायरल है, कौन सा बड़ा स्पेशल, कौन सा डीएनए है, कौन सा आरएनए है। आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, ये सारे डीएनए है, ये सारे आरएनए है, ये सारे वायरसेस हैं, ये सारे पैरासिटिक हैं, और फिर आपकी ओबीजी में क्या इंपॉर्टेंट है। आपने सारे तो इन्फेक्शन नहीं करने हैं, आपके एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट है। एमआरसीओजी में अच्छी बात यह है कि गायनी ओब्स के अराउंड घूमती है, ठीक है, वो आपको सीएनएस के इधर उधर के नहीं देंगे, फार्मा मेडिकल के सर्जरी के, वो आपको हर चीज देंगे जो आपकी गायनी ओब्स से रेलिवेंट है। जैसे वो इन्फेक्शन जो एंडोमेट्राइटिस कराएंगे, या जो एसटीडीज के लिए इम्पोर्टेंट है, या जो बच्चे में ट्रेवल करते हैं, टॉट सीरीज है, ठीक है, उन्होंने बस वही देने हैं। तो आपने अब ऑर्गेनाइज करना है खुद को, ठीक है, ये इन्फेक्शन बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में, या ये जो इन्फेक्शन है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, या इनके सबके रूट एयरबोर्न है, या इन सबके रूट मिकोजल है, या नॉन मिकोजल है, यू नो ये कॉम्प्लिकेशन बच्चे में कराते हैं, फैमिलीज कराते हैं, या एवरीथिंग। तो ये आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मैं कहूँ कोई भी इन्फेक्शन है जेनिटल एरिया पे, कल्चर है पेनफुल सा, तो आप कभी पढ़ोगे शंकराइड है, कभी आप पढ़ोगे इट इज हर्पीज, ठीक है, कभी आप कोई पेनलेस पढ़ लोगे, और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो सब चीजें एक जैसी नहीं लगेंगी, सारी पेनफुल पेनलेस। तो जब तक आपने एक्चुअली जब टॉपिक वाइज पढ़ना है, जब आपने इसको याद करना है, तो ऑर्गेनाइज भी करना है, क्योंकि सारे ही पेनफुल हैं, तो फिर हाउ यू विल डिस्क्रिमिनेट दैम। जो सवेयर हैं, जो बायलैटरल हैं, जिनके अल्सर की ये फीचर हैं, तो वो जो हर्पीज वाले हैं उसमें प्रोड्रोमल के सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, टैंकर में नहीं है, ये यूनिलैटरल है, ये कम सवेयर है, यू नो, फिर आप कनेक्शंस बनाएंगे, फिर एग्जाम में आराम से समझ आ जाएगा, आपको बजवट भी नजर आ जाएंगे। तो आपका एग्जाम, आपका जो माइंड है, वो चीजों को एग्जाम में आपको ऑर्गेनाइज करके या रिप्रोड्यूस करके तभी देता है जब आप इसमें ऐड ऐसे करते हैं। आपने इनको ऐड ही ऐसे नहीं किया तो एग्जाम में ये निकलेंगे भी नहीं। आप 100 दफा पढ़ लेंगे सारे इन्फेक्शन, ये मैं आपको लिख के देती हूँ, एग्जाम में नहीं ये काम के, अनटिल अनलेस आपने आज ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन इन पे वर्क नहीं किया, इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया। चले, सो मूविंग फॉरवर्ड, स्मार्ट वर्क ये है। अब मैं बड़ी काम की बात बता रही हूँ, नोबडी विल टेल यू एवर। सो ये काम की बात ये है कि यस, आप में से आप देखें, टेलीग्राम जो है ना एक बड़ा अच्छा स्टडी प्लेटफॉर्म है फॉर इंटरनेशनल एग्जाम्स। एमआरसीओजी की तो कोचिंग हो ही नहीं सकती अगर आप टेलीग्राम यूजर नहीं, ठीक है, अच्छे से अच्छे ग्रुप्स हैं, पुराने ओल्ड न्यू सारे यू नो बाउंड हैं कि वो टेलीग्राम के थ्रू आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। दे कैन यू नो ऐड इट विद देयर वेबसाइट, ठीक है, विद इट, लेकिन जो मैक्सिमम अब जो चीजें हैं वो टेलीग्राम के हैं। तो जब आप टेलीग्राम यूज कर ही रहे हो तो फिर आप यूं करें, आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, 14 सब्जेक्ट्स हैं एमआरसीओजी बन के, तो आप इनके 14 यू नो ग्रुप्स बना लें, अपने साथ बना लें, डोंट ऐड एनीवन इन इट, आप खुद से बना सकते हैं। टेलीग्राम में तो ये ब्यूटी है, आप खुद से साथ भी एक ग्रुप बना लें, ठीक है, उसका नाम रख लें नेट पी या कोई भी, मतलब जैसे इनके नाम बनते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप, आपके पास चॉइसेस क्या हैं, जब आप तैयारी करते हो तो रैंडम इन्फॉर्मेशन पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही होती है। कोई कोई क्वेश्चन पढ़ते हो अच्छा लगता है लेकिन समझ नहीं आती कि इसकी चीजें नोट कहाँ करनी है, या कोई टेबल अच्छी लगती है लेकिन समझ नहीं आती इसको रखना किधर है, ये जरूरत के वक्त जब आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं तब ये मिलेगी भी या नहीं, ढूंढना इतना मुसीबत हो जाती है। तो या आपने अपने बजवर्ड बनाने हैं या कुछ भी करना है, हर एमआरसीओजी बनना, आपने 14 ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, और आपने नेसेसरी सारी टेबल्स इंफॉर्मेशन, अपने कोड्स, अपने न्यूमोनिक्स आप यहाँ भेज दें। व्हेन यू आर यू नो फर्स्ट टाइम आपने एम्ब्रियो पढ़नी है या एनेटमी पढ़नी है, आपकी ब्रांचेज हैं, कुछ आपको लगता है ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, वो आपके एनेटमी के ग्रुप में है। अब आपने एनेटमी रिवाइज करनी है, ऑब्वियसली फ्रॉम योर स्टडी सोर्सेज करनी है, आप ऑक्सफोर्ड पढ़नी है या नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, वट एवर, लेकिन आपका खुद का भी तो एक स्टाइल है ना चीजों को रिप्रोड्यूस करने का, और वो टाइम भी मिलते नहीं है। नो मैं तो इतनी दफा यू नो चीजें रखती हूँ, बस मतलब एक एक नोट्स आपने डेडिकेटेड बनाए हैं एनेटमी के लिए, लेकिन जब आप एनेटमी पढ़ रहे हो तो वो नोट्स नहीं मिलते हैं ये भी होता है, गुम हो जाते हैं,
तो सॉफ्ट कॉपी ये है कि वो चूंकि आपके मोबाइल तो हर वक्त हाथ में और टेलीग्राम में अगर गुम भी हो जाए तो रिट्रीव हो जाता है डेटा फोरन में, तो आप इजीली उसको ओपन कर सकते हैं फोरन से पहले. मतलब मैं एज ए मेंटोर मुझे ये बड़ा इजी लगता है. आई एम टीचिंग वेरियस कोर्सेज, स्टूडेंट्स मुझसे रेफरेंसेस पूछते रहते हैं इधर उधर से चीजें, और बहुत सारी चीजें होती हैं और उनको फोरन देनी भी होती है. तो यू कैन यू इमेजिन कि अमंग माई रनिंग कोई मेरे 15-16 कोर्सेज चल रहे हैं, FCPS, FCPS, MCPS, MS, IMM, MRCO, जी, क्लिनिकल कोर्सेज अलग है. तो मेरे लिए तो कितना डिफिकल्ट हो जाए कि मैं बस किताबें खोल के ढूंढती ही रहूँ. तो आई हैव यू नो मेड सच ग्रुप्स फॉर माई सेल्फ. तो मुझे बड़ा इजी होता है यार, फिटल इन्फेक्शन है ना, फिटल मेडिसिन है, चलो वो खोलती हूँ, मुझे पता है कि मैंने सर्च बार में क्या लिखना है और मुझे वो रेफरेंस मिल जाता है इजीली. ठीक है, अब तो 5-6 years हो गए हैं तो मुझे मतलब बड़ा इजी होता है, विद इन 1 मिनट मैं प्रोवाइड कर देती हूँ रेफरेंस भी. तो ये आपके लिए भी इजी है. ठीक है, आपने 14 अपने साथ ग्रुप्स बनाने. व्हेन एवर यू वांट टू स्टडी योर एनेटमी, जस्ट ओपन योर एनेटमी ग्रुप. पहले तो एनेटमी ग्रुप में डालनी है ना चीजें ऑर्गेनाइज करके. ठीक है, आपने जब आप पढ़ोगे अपने नोट्स भी आप कॉपी करके डाल सकते हो, क्योंकि नोट्स तो टाइम पे मिलेंगे नहीं लेकिन वो पिक्चर तो मिल जाएगी ना. तो मेरे लिए बड़ा यूजफुल रहा है इन माय प्रेपरेशन, इन माय एमआरसीओजी जर्नी. मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहा क्योंकि मोबाइल मेरे पास हर वक्त होता था. ठीक है, बाकी डिजिटल यूजर नहीं हो तो हार्ड कॉपी के भी अपने बेनिफिट्स है. स्ट्रॉन्ग पेज मेमोरी है, हार्ड कॉपी पे लिखते हो, लिखने से याद होता है. लाइक व्हेन यू विल गो इन टू पार्ट टू, आप थ्रोम्बोलिज्म दो गाइडलाइंस N37 N37B, वो दोनों करनी होती हैं और वो काफी मुश्किल हैं, बहुत सारे स्कोर्स हैं, बहुत सारे टेबल्स हैं. तो जो है वो याद ही नहीं हो सकती अंटिल अनलेस आप उसको हार्ड कॉपी पे लिखो. बिलीव मी, 3-4 दफा वो टेबल दिखनी पड़ेंगी, फिर आप बताओगे इसका स्कोर क्या है, स्कोरिंग याद करनी पड़ेगी, किस स्कोर पे क्या करना है, ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, उनके न्यूमेरिक्स बनाने पड़ेंगे. तो यहाँ हार्ड कॉपी भी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों चीजों को साथ लेके चलिएगा. ठीक है, फॉर यू नो फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स. तो ये फिर इजी रहेगा. अच्छा, फिर दूसरा काम क्या करना है, आपने रैंडम नहीं जाना, प्लीज डोंट गो रैंडम. मैं आपको बता चुकी हूँ आपका जो माइंड है वो डस्टबिन नहीं है. ऑर्गेनाइज रहेंगे, आपके लिए भी आसानी है, आपका काम भी कम है. ठीक है, और वो आपके लिए बेनिफिशियल भी है. पर ना आपको मैंने मिसाल दी है, 200 इन्फेक्शन याद करने में 200 दिन भी लगेंगे, हार्ड वर्क भी लगेगा, लेकिन काम एक का एक भी नहीं आएगा अंटिल अनलेस आपने उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया. ठीक है, अंटिल अनलेस आपको ये नहीं पता कि इन 200 में से मेरे एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, हमें के तो ओबीजी के इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला स्टेप ये है कि रिकॉल सर्वे करें, पिक एनी सब्जेक्ट. बट मैंने इनकी ब्लॉकिंग भी की, ब्लॉक रीडिंग भी की हुई है. एनी सब्जेक्ट्स ये नहीं है कि आप बायोकेमिस्ट्री के बाद एंडो पढ़ना शुरू करते हैं, नहीं, बायोकेमिस्ट्री एंडो तो पढ़ सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री के बाद एम्ब्रियो पढ़ना शुरू करते हैं. वो दोनों तो बड़ी डिफरेंट सब्जेक्ट्स है ना, कोई मजा नहीं आता बल्कि बंदा बदमजा ही हो जाता है. तो खैर, सबसे पहले तो ये है कि सिमिलर सब्जेक्ट्स अपनी पढ़ाई के दौरान जो है वो उनको सीक्वेंस दें, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कंबाइन ना करें, सीक्वेंस में पढ़ें. जो इस सब सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजियो, फार्मा, एंडो एक जैसे हैं, इनको साथ पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा, आपका काम कम होगा, आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा. तो स्टेप वन ये है कि सबसे पहले देखें कि सब्जेक्ट किस सीक्वेंस में आ रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है. अगर मैं आपने जेनेटिक्स पढ़ना है और आप उसको 1 महीना दें, उसमें से आने ही 5-6 क्वेश्चन है, तो फिर ये तो ज्यादती है ना. ठीक है, आपके पास टोटल टाइम जो है वो 4 मंथ है, तो 4 मंथ में आपने 14 सब्जेक्ट्स करने, आप 1 महीने में जेनेटिक्स करते हैं, तो दिस इज नॉट अ वाइज डील. ठीक है, जिस सब्जेक्ट की आपके एग्जाम के लिहाज से जितनी इंपॉर्टेंस है उसको उतना ही टाइम दें. जैसे एनेटमी को अगर आप कहेंगे दिए जा सकते हैं 10 दिन, तो मैं कहूंगी बिल्कुल दें, बट जेनेटिक्स में कितना टाइम देना है तो 1 वीक इज एनफ. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट स्ट्रेंथ उसको टाइम दें और उसमें डीप जाएं. लाइक बायोकेमिस्ट्री काफी बोरिंग है, हमें भी मुश्किल होती है, उसको बहुत डीप हो जाता है, लेकिन हमने इतना मुश्किल में जाना ही क्यों है, हमें पता है कि एग्जाम में क्या आता है बायोकेमिस्ट्री में से. मैं अगर बायोकेमिस्ट्री की 20 टेबल्स बनाऊं तो 99% एग्जाम 20 टेबल से ही आएगा. ठीक है, आपने वो 20 टेबल्स ही करनी है, 200 चीजें नहीं करनी बायोकेमिस्ट्री के लिए, और उसमें से 10 क्वेश्चन ही आएंगे, तो वो जब हो रही है उन 20 टेबल से तो दैट्स ओके, फाइन, मूव फॉरवर्ड. ठीक है, उसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत ही नहीं है. स्टेप टू पे जो है हाँ, आप अपने थ्योरी सोर्स से पढ़ें और डोंट चेंज इट प्लीज.
मतलब एक दफा आपने पढ़ लिया एसेंशियल से, दूसरी दफा आपने किसी के नोट्स पढ़ लिए, तीसरी दफा आपको वीएन से पढ़ रहे हो, आपकी तो पेज मेमोरी नहीं बनेगी ना। हालांकि वो सेम बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जैसे ही पेज कलर चेंज होगा, फॉर्मेट चेंज होगा या फॉन्ट भी चेंज होगा, तो वो चीज आपके माइंड के लिए तो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम रीडिंग में ऐसा ही होता है। तो फर्स्ट टाइम जो आपने पढ़ना है बस उसको चूज करें, डोंट चेंज इट फ्रीक्वेंटली। ठीक है, आपको पता है इसको टाइम कितना देना है, इसकी बर्थ क्या एग्जाम के लिए। और थर्ड स्टेप पे जो है ना, आपने अपने जो है आपको पता है एग्जाम से पहले 10 दिन भी तो आते हैं, उन 10 दिनों में ये तो पॉसिबल नहीं है पेज टू पेज पूरा सब्जेक्ट पढ़ा जाए। देयर समथिंग रिफाइंड थिंग्स जो आपको पता है ये जरूर याद करनी है, ये तो मुझे भूलेंगी और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टेप थ्री पे आपने इस सारे स्टडी प्रोसेस से वो पॉइंट्स निकालने हैं कि जो आपने एग्जाम्स के लास्ट 10 डेज में जरूर रिवाइज करने हैं। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम में से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इन्हीं चीजों से आएगी, तो फिर आपके लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा, इतनी एफर्ट की है। तो ये 3 स्टेप जरूर पूरे कर लीजिए। पहले स्टेप पे तो आपको पता हो कि इस सब्जेक्ट की औकात कितनी है, दूसरे सब्जेक्ट ये पढ़ना कहाँ से है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, अपनी एनर्जी जो है ना वो सही जगह पे लगाएं। और तीसरा ये कि उन 20, अगर मैं बायो केमिस्ट्री की बात करूँ ना, उन 20 में से भी 3 टेबल निकलेंगे फाइनली जो आपको भूलती हैं, जो आपने जरूर रिवाइज करनी है, वो उनको साइड पे करनी है प्लीज लास्ट 10 डेज के लिए, वरना फिर डिप्रेशन होगी, फिर पूरे 220 पेजेस भी नहीं पढ़े जाने, फिर हर चीज इतने बुरे तरीके से मिक्स होगी, फिर आप मुझे मैसेजेस करते हो मैम रिफंड कैसे होता है। मुझे काफी मैसेजेस आते हैं रिवीजन नहीं हो रही। रिवीजन इसलिए बुरी होती है कि आपने रिवीजन के लिए प्रेपरेशन नहीं की, और रिवीजन की प्रेपरेशन रिवीजन डेज में थोड़ी होती है, प्रेपरेशन डेज में होती है। ठीक है, और पीरियोडिक रिवीजन करते रहे। अब रिवीजन में आप देखिए रिवीजन है, नए अंदाज से देखेंगे, बिलीव मी, एक दफा पढ़ोगे तुम एक चीज, जब दूसरी दफा रिवाइज करोगे तो यू विल फील कि ये चीज ये कुछ और हमें बताना चाह रही है। थर्ड टाइम पढ़ोगे तो यू विल फील कि ये हमें कुछ और बताना चाह रही है। बिलीव मी, मुझे 5-6 साल हो गए हैं मैं ओबीजी की ट्रेन की बैंक की कोचिंग कर रही हूँ फॉर वेरियस एग्जाम, बट वेदर मैं इसको नाम चेंज करूँ, MRCUG बोलूँ, चाहे मैं इसको FCPS बोलूँ या MCPS बोलूँ, बट टॉट्स तो सेम ही है भाई। ठीक है, क्योंकि मेरा सोर्स तो ग्रीन टॉप या नई सी था इन सब एग्जाम्स के लिए। तो बट मैं जब भी नए सिरे से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मैं खुद से नए अंदाज से सीखती हूँ, और ये चीजें आप मेरे नोट्स में भी देखेंगे, आप मेरे समरी कार्ड्स में, मेरे बस वर्ड्स में भी देखेंगे कि यू नो चीजें जो हैं जब हम उनको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते हैं तो उनके मीनिंग्स जो हैं वो बड़े रिफाइन होते जाते हैं। तो पीरियोडिक रिवीजन जरूर करने हैं। ठीक है, ओके। तो रिवीजन डेज में सबसे बुरी बात है कि आप पेज टू पेज पढ़ना शुरू कर दें, रिवीजन डेज में रिवीजन नोट्स पढ़ने हैं जो अपने अपने हाथ से बनाए हैं। ठीक है, ओके। सो बाकी हम आगे चलते हैं। सिलेबस की आउटलाइन मैं बता दूं आपको, पेपर वन मैंने आपको बोला कि 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स होते हैं, फिर 10-60 मिनट्स की ब्रेक है, वो ब्रेक अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं या फिर स्किप करके डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट योर पेपर टू, बट ऑलवेज टेक ब्रेक, रेस्ट इज मैंडेटरी। चले, तो पेपर वन में जब आप करेंगे तो आपको ये आपकी जो असेसमेंट होगी वो इन 6 सब्जेक्ट से होगी, एनाटॉमी, एम्ब्रियो, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, एंडो, बायोस्टैट, इसी में एपिडेमियोलॉजी आ जाती है और जेनेटिक्स। और फिर जो पेपर टू में आपकी असेसमेंट होगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो फार्मा, माइक्रो, इम्यूनोलॉजी, बायोफिजिक्स, पैथो और क्लिनिकल मैनेजमेंट विद डेटा इंटरप्रिटेशन होंगे। ठीक है, सो अब आप यहाँ गौर फरमाएं कि एनाटॉमी का रंग क्या है, ब्लू है ना, तो ये ब्लू कितना ज्यादा है डब्बी गोल गोल सर्कल में, तो क्या एनाटॉमी छोड़ी जा सकती है? अच्छा, इसके बाद पर्पल ज्यादा बड़ा है, पर्पल क्या बताता है? हाँ, पर्पल हमें बताता है एंडो का। क्या हम एंडो का सोच सकते हैं स्किप करना? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं कहूँ पेपर वन का 50% जो है, पेपर वन में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 6, और इसका 50% तो एनाटॉमी ही बना रही है, एंडो ही बना रही है 50%। तो आपको ये लगता है कि आप एनाटॉमी को कम टाइम दो और आप जेनेटिक्स को ज्यादा टाइम दो? आवाज चली गई मैम। काफी
तो देखें फिर इसी तरीके से तैयारी करनी है। अगर आपने खुद को हलकान करना है, नेट में करो भाई, अंडा में करो, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स, ठीक है, बी वाइज। ओके, सो इधर आ जाए, इधर ये जो सबसे बड़ा डब्बा है ना वो ग्रीन है, तो ग्रीन क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। और डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे छोटा टॉपिक भी है, सिर्फ इसमें है क्या बायोफिजिकल्स कोर्स, जेस्टेशनल ब्लास्टिक्स कोर्स, ठीक है, और क्या ईसीजी, वो तो बायोफिजिक्स में भी आ जाती है, डेटा में भी आ जाती है, एपगार आ जाएगा, ठीक है, और कुछ कॉल्पोस्कोपी के स्कोर्स, जितने भी स्कोर्स हैं सारे इस डेटा इंटरप्रिटेशन में आ जाते हैं, या ओजीडीटी के लेवल्स हैं, हाइपरटेंशन के लेवल्स हैं, या लैब्स की इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, या इसमें पीएच भी आ जाता है, जैसे इसे बेस बैलेंस आप बायोकेमिस्ट्री में रखते हो, मैं इसको डेटा इंटरप्रिटेशन में रखती हूँ। तो ये छोटा टॉपिक है और सारा साइंटिफिक है, मैथ ही है ना, 1+1 ही है। आप कैपर स्कोर या तो 4 होगा या 6 होगा, 3.5 तो नहीं से रहा, तो आपको कितना मतलब, अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ते, आप इतना अच्छा पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो, अब डेटा इंटरप्रिटेशन आपने छोड़ी भी, यार ये बोरिंग है कौन याद करें, एंड पे देख लेंगे, एंड पे इतनी स्ट्रेस होती है सारे 14 सब्जेक्ट्स की, तो फिर ये इसको नहीं टाइम मिलता, आप इसको छोड़ दोगे तो इससे इतना कुछ आ रहा है, तो डोंट डू दिस, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी लग रही है ना आपको ये इधर, लेकिन फिर आपको तो पैथोलॉजी बोरिंग लगती है, ये कैंसर है, स्टेजिंग कितनी बोरिंग है, ये 1 में क्यों आ रही है, आती तो है फिर स्टेजिंग, फिर दो इसको टाइम देखो ना कितना नंबर आ रहे हैं इसके, तो वो जो एफर्ट तुमने इधर उधर डालनी है तो इनसे ब्रेक्स पे डालो। ओके, सो फार्मर इजनेस मैंने फिर भी इनको कंपाइल कर दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ना तीसरे टाइम टाइम में बता रही हूँ, और मेरे मैंने तीसरी स्लाइड इसलिए यहाँ लगाई है कि आप लोगों ने अपना हेड क्रैक नहीं करना अनड्यू डिस्कशन पे, कि आप बैठे हुए हो उसको लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक तो बायोकेमिस्ट्री में टाइम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट करते हैं जिसका फायदा नहीं है, और फिर वो टाइम वेस्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, नहीं फिर तो तुम अच्छे बच्चे हो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ मुझे लगता है कि जेनेटिक्स या बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, हाँ फार्मा में नहीं लगाना, 15 क्वेश्चंस तो आते हैं इसमें से तो ना, लेकिन इन 15 में से जो 13 क्वेश्चंस है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफेक्ट्स पे आते हैं, और जो 3 आएंगे वो आएंगे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स पे, उसको पढ़ने में तुम हफ्ता लगाते हो, वो समझ में नहीं आती, तो ज्यादा टाइम इस पे लगाओ ना जिससे नंबर आते हैं, ठीक है। तो चले, तो पेपर 1 का मैं थोड़ा सा बता दूं, हाउ टू पास इट बताऊं, बोर तो नहीं हो गए? यस मैम। चले, तो पहले स्ट्रॉन्ग वरना डिसीजन ले लें, होता पता है क्या है, होता ये है कि एमआईआरसी से जीवन देना है देना है देना है, तैयारी कर लें नहीं कर लें, ठीक है, अब चलो एलिजिबिलिटी भिजवा दी, हो गया, अभी चूंकि पैसे नहीं लगे तो सीरियस भी नहीं हो, फिर आप बुकिंग का टाइम आ गया, बुकिंग पे तो भरने पड़ेंगे पैसे, वो नवंबर में हो रही है, नवंबर में जैसे एग्जाम बुक किया तो दरमियान में दिसंबर ही है ना, फिर तो जनवरी भाई डिसीजन देना है ना, तो आज लो 4-5 महीने पहले, ठीक है, तो अगर आपने डिसीजन लेना तो फिर उस पर कायम रहो, उसको एग्जाम के अंदाज में पढ़ो। 70-80% जो मेरे पास डॉट आती है ना वो होती है कि उनको पता ही होता है कि वो 9 जनवरी में अपेयर हो रहे हैं नहीं हो रहे, और फजूल में कोर्स भी बाय करते हैं और अपने आप को स्ट्रेस में भी रखते हैं, ठीक है, तो डिसाइड करें, अपने फैमिली सरकमस्टेंसेस देख लें, अपना अपना करियर पाथवे देख लें, कि आपका कोई और सेकेंडरी एग्जाम तो नहीं आ रहा इधर, और 2 एग्जाम कभी ना दे, जैसे जनवरी में मेरे बहुत सारे बच्चों का IMM भी है, एग्जैक्टली फैब में, फैब में आई एम जनवरी ने एमआरसी जीवन देना है, तो मैंने उनको बोला नहीं डोंट डू दिस, मेरे पास कोई 5-6 स्टूडेंट्स आए एंड दे वर यू नो अपेयरिंग इन IMM एज वेल एंड आल्सो कंसिडरिंग एमआरसी जीवन एज वेल, मैंने उनको नहीं मशवरा दिया कि दे शुड अपेयर इन जनवरी, क्योंकि जो 2 किश्तों की सवारी है ना वो बड़ी वो डिफिकल्ट है, IMM एक डिफरेंट एग्जाम है, उसमें क्लिनिकल चीजें हैं ज्यादा, और ये जो MRCG बना है वो एक बेसिक सा एग्जाम है, इसमें और चीजें हैं, और फिर 2 एग्जाम की स्ट्रेस, फिर एक की भी तैयारी नहीं हुई, फिर दोनों ही डूबेंगे, ठीक है, तो एक तो डिसीजन लें, अपने लाइफ लाइन टाइम लाइन देख लें, ठीक
फिर जब आपने दूसरा स्टेप ये लेना है कि जैसे मैं बता चुकी हूँ कि हर सब्जेक्ट की औकात है, उसके मुताबिक टाइम दें, और फिर आप अपने ई नोट्स देख लें या स्टडी सोर्सेज देख लें, फिर आप स्टार्ट करिए, बस पढ़ना शुरू कर दो। आप टाइम वेस्ट नहीं करना, नो टाइम टू वेस्ट, नो दिस दिन डिसीजन कि पार्ट वन में अपेयर होना है, ठीक है? तो बस वो दिन आपके एग्जाम का पहला दिन होना चाहिए, ठीक है? लेट मी टू अगेन यू नो मेक यू रिमेम्बर कि एग्जाम कॉस्टली है, ये 2 लाख भरना आसान थोड़ी है, मतलब ह्यूज अमाउंट, ठीक है? अगर आप इसको अपने लोकल करेंसी में कर ले तो बांग्लादेश और पाकिस्तान या इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 1-2 लाख ही बनते हैं ये, और ये अच्छी खासा चंक है। ओके, सो ब्लॉक रीडिंग मैंने आपको बोला था, नो बडी विल टेल यू एक्चुअली, बट पता नहीं क्यों मैं बता देती हूँ। ओके, अच्छा देखो, जब भी पढ़े ना एनाटॉमी पहले ना पढ़े, पहले एम्ब्रियो पढ़े, क्योंकि जब आप एम्ब्रियो पढ़ लेते हैं तो एनाटॉमी का आधा काम हो चुका होता है, आपको आपका जो माइंड है ना उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ब्रांचेस याद करने में, यूट्रस उसकी, आर्टरीज की, वेसल्स की, नर्व सप्लाई या लिम्फेटिक, क्योंकि आप ये एम्ब्रियो में पहले ही कनेक्शन बना चुके हैं, आपको पता है इसका ओरिजिन क्या है, ये सारी की सारी यहाँ सप्लाई करेंगी क्योंकि यहाँ से निकली है। फिर आपको मिडल रेक्टल और सुपीरियर रेक्टल और इंफीरियर रेक्टल एक जैसे नहीं लगेंगे, आपको पता है ये कहीं कहीं जहां जहां से आ रही है, ये डिफरेंट है, ठीक है? ओके, सो एम्ब्रियो को पहले को बाद में, व्हेनेवर, जब भी पढ़े, ठीक है? दूसरी बात ये कि आपने जो है जेनेटिक्स और बायोकेम के कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, लाइक जेनेटिक्स का जो सारा सेल साइकिल है या सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो बायोकेमिस्ट्री भी सेम है, ठीक है? तो इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, या तो जेनेटिक्स में या बायोकेम में, अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करें, ठीक है? अच्छा, फिर एंडो पे आ जाए, एंडो में जो सेल सिग्नलिंग है, बायोकेमिकल सिंथेसिस है, हार्मोन्स की, बायोकेमिस्ट्री में सॉरी, वो सेम एंडो में ना, तो जब आपने हार्मोन्स पढ़नी है और सिग्नलिंग पढ़नी है, प्लीज यू नो ओपन योर बायोकेमिस्ट्री एज वेल, एक तीर में दोष और अच्छे तरीके से होगा, ठीक है? और जब भी आपने यू नो फिजियो पढ़नी है ना, उसके बाद आपने फार्मा पढ़नी है, आपको अच्छे से समझ आएगी कि ये जो इनके रिसेप्टर्स हैं ये फिजियो में कहाँ थे, तो फार्मा में इनका क्या मैकेनिज्म है, ठीक है? फिर आपको क्लिनिकल मैनेजमेंट की समझ आएगी अच्छे से। तो मैंने बनाया है प्लानर, तो मैंने इन चीजों को माइंड में रखा है कोर्स में, कि आप लोगों के लिए भी चीजें इंटरेस्टिंग हो, आप लोगों की एफर्ट कम हो, क्योंकि मेरा एक कहना ये है कि आप कोई कोर्स लेते क्यों, कि आपकी जिंदगी आसान हो, सिंपल हो, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो, आपसे आवाजारी बेजारी ना हो, आपको फील हो यूर एंड राइट ट्रैक, आपने एग्जाम का जो मेजर यू नो चीजें हैं वो पूरी अचीव कर ली है, आपके पास एम्पल टाइम है रिवीजन के लिए, तो मैंने इन चीजों को देख रखा है अपने अपने कोर्स, ठीक है? तो ये ब्लॉक, ये तीनों चीजों के ब्लॉक बनते हैं। अच्छा, इम्यूनोलॉजी कहीं फिट नहीं होती और ना ही बायोफिजिक्स कहीं फिट होती है, ऐसे ये रैंडम उड़ते हुए सब्जेक्ट्स है, और ना ही बायोस्टैट कहीं फिट होती है, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को जब भी कर लें तो कर लें, ये दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, पैथो और माइक्रो थोड़ा इसमें कनेक्शन है। ओके, बायोस्टैट भी बोल चुकी हूँ, बायोफिजिक्स बोल चुकी हूँ, ऐसे रैंडम हवाई टॉपिक्स हैं, ठीक है? मतलब बायोफिजिक्स का लेना देना बायोस्टैट से नहीं है, बायोस्टैट को लेना देना बायोफिजिक्स से नहीं है, और इसी तरह इम्यूनोलॉजी भी ऐसे ही है, लगती तो पैथो के साथ है, बट जब पढ़ेंगे तो भी बिल्कुल ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जो रियल हेल्प है ना वो यही है कि मैं आप लोगों को आपका टाइम बचाऊँ, एनर्जी बचाऊँ, ठीक है? आप 5 हफ्तों में एक सब्जेक्ट करोगे, गारंटी यू आप 5 घंटों में कर सकते हो, यू एग्जैक्टली नो व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड, वेयर टू रीड, एंड व्हाट विल कम इन एग्जाम। और ये जो आपकी जिंदगी के 5 घंटे है ना, इसके बाद जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे, आप 2-3 घंटों में पूरा टॉपिक तक आराम से कवर हो जाएगा, आई कैन गारंटी यू के 24 आवर में एक सब्जेक्ट आराम से हो सकता है, ठीक है? इट डिपेंड्स के पढ़ाया कैसे गया है, और पढ़ाने से ना मुझे अब रियलाइज हुआ है कि देयर इज अ डिफरेंस। मैं अगर ये कहूँ ना कि आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम टूडे और मैं कल पढ़ाऊँ, तो जो मेरा पढ़ाना है दैट इज डिफरेंट, जिस बंदे ने अपनी जिंदगी के साल दिए हैं उस चीज में, मतलब उसको पता है कि ये चीजें कैसे अब कनेक्शन आते हैं, बिकॉज जब आप एक चीज को दोबारा पढ़ते हो तो आपका विजन चेंज हो जाता है। नाउ आई एम थिंकिंग कि जो एक्सपीरियंस है वो क्यों प्राइसलेस है। आई डिड माई
स्पेशलाइजेशन इन 2018 एफसीपीएस 2 मैंने 2018 में किया और स्टेट फॉरवर्ड के बाद से आई एम टीचिंग. तो नाउ इट्स 2023 इट हैज बीन 5 इयर्स एंड आई हैव मल्टीपल सेशंस कोर्सेज जिसमें मैंने नाइस जीटीजी और ये सारे टोक आर्टिकल्स ऑब्वियसली पार्ट ऑफ एफसीपीएस है. तो नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि जब भी पढ़ाती हूँ वो दे आर टेलिंग मी समथिंग डिफरेंट. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच मुझे लगता है स्टूडेंट्स को हमेशा पढ़ाने के लिए डिफरेंट होती हैं एंड थिंग्स आर गेटिंग मैच्योर डे बाय डे. तो एक्सपीरियंस की कोई यू नो प्राइस नहीं है, एक्सपर्टीज की कोई प्राइस नहीं है. आपका डाटा आपकी हर चीज यू नो कॉपी हो जाती है, इधर-उधर चली जाती है. द वे यू टीच इज योर, ठीक है, मतलब सेम माई नोट्स या समवन एल्स नोट्स आप पढ़ सकते हो बट इट डिपेंड्स कि पढ़ाया कैसे गया, ठीक है, दैट दिस थिंग इज प्राइसलेस. बट एनीवे एक मिनट. आप लोगों को पहले कोर्सेज का बता दूं फिर मैं आपको ये 12 के 12 सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ. वेदर यू, मैं अगेन ये बता रही हूँ कि वेदर यू आर ज्वाइनिंग द कोर्स आर नॉट, ये सेशन फिर भी आपके लिए जरूरी है अगर आपने MRCO जीवन जनवरी में देना है, ठीक है. तो इसलिए आपने एंड तक बैठे रहना है, बट चूंकि फिर तुम एंड पे बैठोगे नहीं तो फिर मैं किसको अपना कोर्स के बारे में बताऊंगी, तो मैं पहले बता देती हूँ. चलो एक मिनट रुक जाओ. यस अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं एग्जाम के लिए तैयार डिपेंड करता है कि आपकी ना क्वालिटी स्टडी कैसी है. ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता 12 घंटे से पढ़ रहे हो, नथिंग मैटर्स. उसमें टीवी चल रहा है पीछे और साथ में मोबाइल हाथ में है और टेंपल रन खेल रहे हो, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क ये पड़ता है जो आप पढ़ रहे हो उसमें क्वालिटी स्टडी आवर्स अनइंटरप्टेड कितने थे, ठीक है. फॉर मी फॉर MRCO 1 अगर डेली और मतलब इन 5 महीनों में डेली 2 घंटे भी क्वालिटी आवर्स के तुम्हारे पास है ना तो ये एग्जाम डूएबल है, ठीक है. और जैसे जैसे आप कहोगे कि मैडम 4 महीने तो मैं कहूँगी 3 घंटे, फिर आप कहोगे मैडम 3 महीने पढ़ना है तो मैं कहूँगी 4 घंटे, तो फिर घंटे ऐड होते रहेंगे. और फिर एक फोन अकाल आती है लास्ट 10 डेज में कि मैडम मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा. रिफंड तो हो नहीं सकता, रिफंड भी सर्टन सिचुएशन में हो जाता है, ठीक है, बट रिस्की है. तो एग्जाम तो अब देना है तो इन 10 दिनों में क्या पढ़ू, फिर 10 दिनों में फिर कितना पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटे. और वो भी सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि थोड़ा होप हो जाए कि बंदा पास हो जाए. बट एनीवे आपने अपने आप को इतनी मुशक्कत में नहीं डालना, आप एटलीस्ट 3 मंथ्स इस एग्जाम को दें जितना ये कॉस्टली है. मैं ये बता रही हूँ कॉस्टली है भाई, ठीक है, एवरी स्टूडेंट के लिए है ये कॉस्टली एग्जाम. आपके 3-4 पे बन जाती है टोटल, ठीक है, 3-4 पे मतलब 3-4 महीनों की हॉस्पिटल की खबारी. 3 महीने तो दो इस एग्जाम को पढ़ने के लिए. तो जॉब के साथ तो 3 महीने हैं, लेकिन नहीं जॉब के बगैर तो 3 मंथ्स हैं क्योंकि आपके पास वो जॉब वाला टाइम ही इस्तेमाल हो जाएगा. बट आप जॉब कर रहे हो तो फिर 5-6 मंथ्स जरूरी हैं इस एग्जाम के लिए, इतना तो हिसाब का. ओके, सो द हाउ टू प्रिपेयर विद मैडम इफ यू आर ज्वाइनिंग द कोर्स. सबसे पहले तो अपने स्टडी टाइम एंड स्पेस आप यू नो आप अपना बनाएं जो आपके जॉब और फैमिली के लिए के मुताबिक हो. मतलब बच्चे सोते हैं तो जरूर उससे पहले पढ़ना है, जब सो जाए वो टाइम सेट कर लें. तो दिस इज एन इंडिविजुअल थिंग. आपकी नाइट ड्यूटी है तो उसको देख लें, इजी है तो नाइट में पढ़ लें, अगर टफ ड्यूटी है तो फिर क्रिएट सम टाइम इन डे आवर्स. एनीवे आपने सब्जेक्ट वाइज रहना है, हैफेजर्ड नहीं जाना. बहुत सारे बच्चे सिंगल बेस्ट आंसर्स की बुक उठा लेते हैं, आज मैंने पूरी देखा पढ़नी है, जब आपने उसकी थीरी नहीं पढ़ी है उसमें आप क्रैम करोगे ना चीजें, फिर वो एफर्ट ही है क्योंकि एग्जाम में तो वो रिप्रोड्यूस होने वाली नहीं, आपको पता ही नहीं की क्यों बनी है, ठीक है. एक भी बज वर्ड नया आएगा वो माहौल ही चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है. तो
अच्छा मुझे याद आया, मुझे अभी क्लिनिकल मैनेजमेंट अभी जनवरी का एग्जाम चल रहा था, तो मुझे एक बच्ची ने टैग किया कि आपने इस क्वेश्चन में ना, पहले तो आपने कहा था कि ब्लैडर रिट्रेनिंग करानी है पहले स्टेप पे, ठीक है, ओवेट ब्लैडर का सिनेरियो था, अब आप इसमें अगेन फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी या नकचूरी है, अब आप कह रही है नहीं पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग भी डाल दी इसमें, ठीक है, तो ये तो आपकी गलत है। मैंने बोला इसमें गौर से देखो, तो उसमें लिखा हुआ है शी लीक ऑन कफिंग, तो ये वर्ड पहले वाले स्टेटमेंट में तो नहीं था, तो इससे क्या मुराद है? उसने कहा इसको इनकॉन्टिनेंस है। मैंने कहा क्या लगता है किस तरह की इनकॉन्टिनेंस है? उसने बोला स्ट्रेस है, ऑब्वियसली कफ पे कर रही है। और मैंने कहा साथ में क्या है, नकचूरिया अर्जेंसी ये अर्जेंट इनकॉन्टिनेंस है, मैंने दो चीजें मिक्स हो गई है ना, कहती हाँ, मैंने कहा दो चीजें ही आएंगी ना, क्योंकि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग आती है और ओवर एक्टिव ब्लैडर में ड्रिल आती है, तो दोनों कंबाइन करेंगे, अब तो चेंज हो गया ना, बस बड़ी चेंज हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सिर्फ ठीक रहे मत करें, क्योंकि एग्जाम में एक एडिशनल कोमा भी आ गया ना, बिलीव मी इट विल इंपैक्ट योर होल यू नो फाइव ऑप्शंस। अच्छी बात यह है कि पार्ट टू में तो खैर स्टैंडर्ड मैथ्स क्वेश्चन होते हैं, पार्ट वन में नहीं है, पांच ऑप्शन ही होते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि सबसे पहले आपने भी मैट होम ना लेक्चर सुनना है, ठीक है, लेक्चर सुनने के बाद ना फिर आपकी जो एफर्ट है ना वो कम हो जाएगी, आपको पता है इस टेबल में से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं बोली, क्या ये इंपॉर्टेंट भी है, ये नहीं ये करनी है, अगर खुद से वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, वैसे तो तुम पढ़ते नहीं हो, आई नो वेट ही कर रहे होते लेक्चर का, लेकिन खुद से पढ़ोगे तो वो तो बहुत कचरा याद कर लोगे बड़े बेहंदम तरीके से, नहीं ये नहीं करना, ठीक है, पहले सुन लें, सुनने के बाद आपको पता होगा कि इस सब्जेक्ट की वर्थ कितनी है, क्या इसकी औकात है, इसमें से आया कितना है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितनी इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, ये तो मैंने स्किप नहीं करनी, और हाउ यू नो योर मेंटोर इज रिलेटिंग द सब थिंग्स फॉर यू, मेकिंग थिंग्स इजी फॉर यू, ठीक है, तो फिर जब आप वो पढ़ोगे तो बिलीव मी यू आर गिविंग दैट सब्जेक्ट 10 days आफ्टर द लेक्चर हार्डली 2 to 3 days, वो भी अगर आप उसमें 2-3 quality hours पर डे पढ़ रहे हो, तो इट विल कवर, ठीक है, तो पहले सुन लें फिर पढ़ लें फिर नोट्स बना लें। नोट्स बनाने का तरीका नोबडी कैन गाइड, नोबडी एक्चुअली गाइड यू के हाउ टू मेक नोट्स, आपका अपना शाहकार होते हैं। अब क्या मतलब, तुम लोगों ने मैट्रिक के FCPS FSC के MBBS निकाला है, पता नहीं कितने मुश्किल मुश्किल एग्जाम मैं ना लूँ, तो अभी आप में से कोई कह रहा था दुबई का पेपर भी दिया हुआ है, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं FCPS MCPS करके आए हैं, कुछ ज्वाइन करेंगे MCPS वाले भी MS वाले भी, तो आप लोगों को कोई गाइड कर सकता है हाउ टू मेक, ठीक है, तो डॉक्टर्स के लिए कोई नहीं बता सकता कि हाउ टू यू नो मेक नोट्स, वो उनको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी आई कैन हेल्प कि सब्जेक्ट में ना सबसे पहले जो फिगर्स होती हैं, जैसे जेनेटिक्स में काफी है डाउन की टर्नर की बड़े सारे मसले हैं इनके, ठीक है, या माइक्रो में से है या इवन क्लिनिकल में आ जाएंगी सब फिगर्स, तो आप ना किसी भी टॉपिक के फिगर्स अलग से रख लें ताकि वो दरमियान में ना आए, बंदे का एक माइंड होता है ना कि सारे फिगर्स एक दफा कर लिए हैं, इसमें से सारे थोड़े ना करने, उसमें से ही मेजर करने होते हैं, माइंड एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता कोई फिगर्स, उनकी कोई लिमिट होती है, और मेडिकल में तो अनलिमिटेड फिगर्स हैं, कुछ नहीं याद करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट वन, और मैं तो ये कहूंगी जो पिछले पास पेपर्स में है ना सिर्फ वही याद करने चाहिए फिगर्स के लिए, क्योंकि इससे अलावा याद करते हैं तो वो हमेशा भूलते हैं हमेशा, तो इतना क्या इस पे एफर्ट करनी, अपना हवारी करनी हो, रट्टे मारने हो, दियर करनी, जब कौन सा वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो वो ही है ना जो पिछले दफा आया है, ठीक है, तो ना एक दो क्वेश्चन नए आ भी गए, नई थी परसेंटेजेस, तो उसके बदले तुम लोगों ने हजारों को परसेंटेजेस याद नहीं करने ना, ठीक है, वो पहला पेज नोट्स का कोशिश करें फिगर रख दिया करें जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, और लास्ट पेज रखा करें आपकी माइंड मैपिंग के लिए, तो यहाँ से ये चीज जैसे माइक्रो में बड़े अच्छे होते हैं कि ये पॉजिटिव है तो इसकी ये स्टेन नेगेटिव है, ये सारे स्टेन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें फलाना ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ये सारे इधर चले गए, तो ये बड़े अच्छे होते हैं, इसी तरह आप बहुत सारे माइंड मैप्स बना सकते हैं। क्लिनिकल मैनेजमेंट में बहुत माइंड मैप्स हैं, आप में से मेजोरिटी जो मेरे साथ जनवरी में थी उन्होंने देखा होगा, हमने क्लिनिकल मैनेजमेंट में सारे माइंड मैप्स बनाए थे, ठीक है, एंड में बैठ के, क्योंकि आपकी जो सारे वो पेशेंट जिनको फ्री क्लम्श आपके सिंगल रिस्क फैक्टर्स हैं या मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स हैं, सारे जो जो SGA के लिए माइनर है मॉडरेट है, वो सारे एंड में ना मिक्स हो जाते हैं जैसे तुम्हें, ठीक है, तो फिर इनको आपने माइंड मैप्स बनाने हैं ताकि दूसरे के साथ मिक्स भी ना हो
तो इनके करने का तरीका है कि इनको इकट्ठे किया जाए, क्योंकि इकट्ठे करोगे तो फिर इनको कंपेयर कर सकते हो, वरना इनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। ओके, सो जैसे मैं अक्सर जब इन्फेक्शन पढ़ाती हूँ तो मैं सारे इन्फेक्शन है वो सारी ड्रग्स जो एक जैसी होती है ना वो इकट्ठी कराती हूँ, ताकि आपको पता हो कि इसका स्पेक्ट्रम क्या है। इस तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे टॉक्सो और सीएमबी तो एक जैसे लगते हैं, मैं पार्गो भी हाइड्रोक्स करा रहा है, सिप्लस भी, तो ये तो एक जैसे हैं, बट देयर इज डिफरेंस। तो दो सिमिलर चीजें ना उनको साथ साथ करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहला पेज इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस के लिए, और आखिरी वाली जो आपके माइंड मैप्स के लिए, मे बी जब आप एक सब्जेक्ट कर रहे हैं आपको अंदाजा ना हो, बट व्हेन यू विल रिवाइज इट आफ्टर डूइंग द 14 सब्जेक्ट्स, आपको लगेगा कि ये तो वहां भी आया था। ठीक है, जैसे मैं जैसे लेट्स सपोज फार्मा में कितनी सारी चीजों की एंटीबायोटिक्स हैं, किसी में रिथ्रो है, किसी में जिथ्रो है, किसी में डॉक्सी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता एंड पे जाके, ठीक है। तो फिर इनको इकट्ठे करेंगे तो याद रहेगा ना, जैसे मिस्ड पिल्स आ जाएंगे कॉन्ट्रासेप्शन में, तो लास्ट के जो टू आपके सब्जेक्ट के पेजेस होंगे उनको ब्लैंक छोड़ दें फॉर योर रिवीजन, क्योंकि और बहुत सारी सिमिलर चीजें आएंगी जो रिवीजन पे एक जैसी लगेंगी, उनको यहाँ आपने लिखना है। आई विल हेल्प यू एज़ वेल, नो वरीज। ओके, सो फाइनल रिवीजन के लिए काम तैयार है, ठीक है, अब बसलवा खाना इंशाल्लाह। ओके, सो अगेन I am advertising my course for 16 January 2024. इसके बहुत सारे benefits हैं, please do join us. Okay, चलें। तो if you are thinking कि पता नहीं क्या मतलब 14 subjects कैसे बढ़ाएंगे, तो you can join any single module as well. उसके उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि you should buy the whole course or not. ठीक है, तो नुकसान भी कब होगा, मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग सिंगल सब्जेक्ट आपको समझ आ जाएगी कि ये मेरा मुताबिक तो कोर्स नहीं है, वाई टू वेस्ट द होल मनी, या फिर 99% जो पहला सब्जेक्ट लेता है वो फिर सारे भी लेता है, इतना मुझे यकीन है। ओके, सो वंस यू विल कवर योर थ्योरी विद अस, देयर विल बी अनदर, आई रिपीट, अनदर एंड सेपरेट, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेपरेट अनदर कोर्स, इट्स नॉट पार्ट ऑफ थ्योरी कोर्स, ठीक है, दिस इज अ क्रैश कोर्स, इसमें वी विल नॉट डू थ्योरी अगेन, वी विल डू ओनली द पास्ट पेपर्स, और पास्ट पेपर का जाइंट पूल है 2012 से लेके 23 तक का, इन ह्यूमन है अदरवाइज, तो उसके साथ थ्योरी करें, तो आई अज्यूम इफ यू हैव डन थ्योरी तो ये डिफिकल्ट एक टास्क है, सेपरेट कोर्स इसके लिए होना चाहिए, लेंथी प्रोसेस है, हर एमसीक्यू में डिस्कशन होनी चाहिए, तो इसके लिए अलग से क्रैश कोर्स है, बट Once you, इसमें वही सीरियस स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जाम बुक कर चुके हैं, ठीक है, नवंबर के बाद स्टार्ट होगा, तो थ्योरी आप चूंकि अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, थ्योरी के एक्सरसाइज कर लोगे बिफोर बुकिंग, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा कि अब आप रेडी हो पास्ट पेपर्स के लिए, आपका माइंड फोगिंग है, आप यू ऑलरेडी नो कि क्यों बनी है, कैसे बनी है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है ना बूस्टर सेशंस हैं, ये बूस्टर सेशन आर नॉट सेपरेट, दे आर पार्ट ऑफ योर कोर्स, इफ यू आर ज्वाइनिंग थ्योरी कोर्स दे आर पार्ट ऑफ दिस। इसमें जनवरी को 16 जनवरी को पेपर है ना, तो 6, 7, 8, 9 इन 4 दिनों में ना आपके सेशन होंगे मंडू मंदिर में, तो इसमें मैं आपके जो 14 सब्जेक्ट्स के जो जो इंपॉर्टेंट टेबल स्लाइड, मेरे एल्गोरिथम, मेरे बजवर्ड्स हैं, इन्हें आपको रिवाइज करवाऊंगी, क्योंकि विदाउट गुड रिवीजन नथिंग इज यू नो परफेक्ट, जितना मर्जी अच्छा पढ़ लें, 6 महीने पढ़ लें, एग्जाम से पहले 10 दिन नहीं पढ़ाना, बिलीव मी, बस जहर खाने को दिल जा रहा है। और इसमें से जो रिवीजन है ना, ये बड़ी स्ट्रेसफुल होती है स्टूडेंट्स के लिए, तो आई विल नॉट लीव यू पीपल अनसपोर्टेड इन दीज 10 डेज, आई विल मेक श्योर कि जो चीजें पढ़ी हैं वो आप अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है, 6, 7, 8, 9 रिमेंबर इट, तो 80% आपका जो ना रिवीजन 4 दिनों में हो जाएगा, 9 के बाद 16 जनवरी को पेपर देंगे, यू विल थिंक ये तो भी किया इंशाल्लाह। ओके, सो मैं तो लाइक आई एम वेरी कंफर्टेबल इन उर्दू, तो जो हिंदी स्पीकर्स हैं या उर्दू स्पीकर्स हैं, दे आर वेरी यू नो हैप्पी विद मी, बट जिनको नहीं आती उर्दू दे बिकम एनॉयड, मैंने बस काफी इजिप्टियन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आए कि आप इस कोर्स को जो है इंग्लिश में कर लें, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि कोर्स कंटेंट हमें बड़ा पसंद है, आपके नोट्स बड़े पसंद हैं,
तो एक्चुअली मुझे लगता है कि आई एम बेस्ट इन माय ऑन लैंग्वेज, मैं उसमें अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हूँ. आई कांट चेंज द मीडियम. हो वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड एवरीथिंग, हमारे अपने अच्छे एग्जाम इंग्लिश में होते हैं, लेकिन मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाती ना. मतलब मुझे एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में इन माय ऑन यू नो मीडियम 2-3 मिनट्स लगते हैं, और स्टूडेंट्स उसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, दे नो द उर्दू. अदरवाइज आई विल टेक यूर 30 मिनट्स, वो फिर भी समझ नहीं आता. तो फॉर इंग्लिश स्पीकर्स व्हाट आई कैन डू, दे कैन यू नो दे कैन एक्सेस माय ईनोस. ठीक है, अगर आप अच्छा, मुझे बड़ा कंप्लेन्स आई व्हेन आई वाज यू नो लास्ट टू सेशन एमआरसीओजी के लिए, इवन एफसीपीएस के भी चल रहे हैं, जिस सेशन में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं कि इतने नाम्स हैं उनके, लेकिन मुझे कंप्लेन्स आने लग गई हैं कि फ्रीक्वेंट आई स्ट्रेन, हेडेक, क्योंकि सारे जो ग्रुप्स हैं वो तो वेबसाइट्स पे हैं, सारा स्टडी मटेरियल जो है वो स्क्रीन पे है, और स्क्रीन टाइम की कोई लिमिट होती है ना, होती हो ऑब्वियसली, ब्लू रेस का आपने पढ़ा होगा. तो एक बंदा 6-7 घंटे नहीं स्क्रीन पे बैठ सकता, पॉसिबल नहीं इन ह्यूमन है ऑब्वियसली, आपको सारा स्टडी नोट्स पढ़ने पड़ेंगे. तो मुझे मतलब नोबडी एक्चुअली वांट कि अपना सारा कंटेंट किसी को उठा के झोली में डाल के देते, बिकॉज ऑफ दिस आई डोंट वांट आप लोग हर वक्त यू नो किसी वेबसाइट पे बैठे रहे, और आपकी जो नींद डिस्टर्ब होती है, आपका पूरा पूरा हाइपोथैलेमस और सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है आपकी स्क्रीन की ब्लू लाइट की वजह से. Because of only this health reason, I thought कि आप लोगों को hard copy की भी जरूरत नहीं है. मेरे जितने भी 14 subjects के notes हैं जो मैंने बड़ी effort से बनाए हैं, Oxford Review और with my team, obviously मेरी गुलती की effort नहीं है, डॉक्टर मारिया मेरे साथ. तो now they you can access them. ये they will be available for hard copy. ठीक है, तो जो English speakers हैं उनके लिए तो ये best है. ठीक है, और उनके लिए दूसरी भी ऑप्शन भी है कि इसका स्टेल्थ स्टडी कोर्स है, पास्ट पेपर्स, वो तो ऑब्वियसली उनकी एक्टिव डिस्कशन होती है, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में ही होती है, तो इट्स इजी फॉर देम, तो उनके लिए ऑप्शन है. ओके, सो कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास 14 वीक्स हैं बिफोर बुकिंग. जिस दिन बुकिंग हो गई उस दिन, तो फिर एग्जाम के बाद आपके पास हार्डली 1-1.5 महीना है, उसमें रिवीजन होनी चाहिए. ठीक है, और पास पेपर होने चाहिए. तो आई विल मेक श्योर कि बिफोर बुकिंग डे आपका एक दफा पूरी थ्योरी कवर हो जाए. तो ये 14 नवंबर से पहले अप्रोक्सीमेटली ये 14 वीक्स हमारे पास हैं, तो हम हर वीक में एक सब्जेक्ट करेंगे. ठीक है, तो आई विल बी वेनेसडे की स्पेलिंग सही नहीं है, स्पेलिंग तो मेरी अक्सर ही खराब होती है, बट एनी वे अच्छा. तो हर वेनेसडे को टेंटेटिवली आपका लाइव सेशन होगा मेरे साथ, कुछ सेशन डॉक्टर माजिया के साथ. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इम्यूनोलॉजी, देन जेनेटिक्स, क्योंकि दोनों ही ऐसे ही है ना रैंडम से, फिर बायोस्टैट भी इधर से ही है. मतलब ये 3 सब्जेक्ट्स अगर हम निकाल लेंगे जो इनके आपस में कनेक्शन नहीं है, तो हम फिर ब्लॉक रीडिंग शुरू कर देंगे, एम्ब्रियो के साथ एनाटॉमी, फिजियो के साथ एंडो, ठीक है, माइक्रो के साथ पैथो, और फिर फाइनली एंड पे हम क्लिनिकल मैनेजमेंट करेंगे. मैंने क्लिनिकल मैनेजमेंट लास्ट टाइम शुरू में रखी थी, स्टूडेंट्स को ना कुछ खास बहुत पसंद नहीं आई, क्योंकि हर चीज की इंटेग्रेशन थी, मतलब उसमें एनाटॉमी, माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा. तो देन आई थॉट कि इट शुड बी एट द एंड, ताकि आप ये सब सब्जेक्ट्स गो थ्रू कर चुके तो फिर आपको मजा आएगा क्लिनिकल मैनेजमेंट. तो दैट्स व्हाई नाउ आई हैव यू नो लेफ्ट दिस सब्जेक्ट इन द एंड. और बायोस्टैट मैंने एंड पे रखी थी, तो मुझे लगा कि बच्चे जब एंड पे बायोस्टैट कर रहे थे, तो बायोस्टैट की वजह से उनकी रिवीजन बड़ी इंपैक्ट हुई, क्योंकि बायोस्टैट नहीं अकलौता काफी टाइम लिया, और बायोस्टैट के हमारे बहुत अच्छे फीडबैक्स थे, बड़े दिल से हमने कराई थी, और यू पीपल आल्सो लव वी विल कोच यू पीपल. बट मैंने आप इसको शुरू में रखा ताकि बायोस्टैट की जो ड्रिल है वो आप साइड बाय साइड करते रहें. ये सब्जेक्ट सबके लिए मुश्किल होता है, और इसमें से आपके एग्जाम का अच्छा खासा चंक आता है, और समटाइम ओनली बायोस्टैट ही आपके एग्जाम को पास या फेल कर रहा होता है. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सब मेजोरिटी कोर्सेज आई हैव हर्ड कि वर्ल्ड पे और इसको एज ए सेपरेट वर्कशॉप भी लॉन्च करते हैं, बट मुझे लगता है जो थ्योरी कोर्स में है उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स होने चाहिए, और एक मुश्किल जो सब्जेक्ट प्रैक्टिस की जरूरत है वो शुरू में होना चाहिए, ताकि उनकी एंड पर रिवीजन ना खराब हो. तो ये प्लानर इस प्लानर को बनाने के लिए मैंने इस चीज़ को भी माइंड में रखा है कि ब्लॉक रीडिंग हो, जो सेपरेट टॉपिक्स हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है ना, उनको एडजस्ट किया है,
और बायोस्टैट के शुरू में लेके आएंगे, ठीक है, और इससे आपको आपकी जो एंड के डेज हैं वो लेस स्ट्रेसफुल गुजरेंगे। सो अब मैं आपको ना दिखाती हूँ अच्छी बातें। ओके चलो जस्ट होल्ड ऑन। ओके अच्छी बातें ये हैं कि अभी जुलाई 4 जुलाई को अभी रिसेंट वन एग्जाम था, उसके बाद जो हमें फीडबैक, सो वी बुक 99 अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स फॉर जनवरी एग्जाम एंड यू कैन रीड व्हाट दे आर टेलिंग एंड दिस इज जस्ट यू नो पोस्ट एग्जाम फीलिंग। जो हर सब्जेक्ट के बाद हमारे पास फीडबैक्स थे वो तो अनलिमिटेड है ना, एंड दे आर इजिली अवेलेबल ऑन आवर पेज एंड टेलीग्राम channels everywhere, see? अभी देखिए M14 लिखा हुआ है बायोस्टैट, तो इसी तरह M1 एमबीए से स्टार्ट हुआ है, M2 जो था वो एनेटमी था, M3 क्लिनिकल मैनेजमेंट था, और टिल हम M14 तक गए तो बड़ा ऑर्गेनाइज था। जिसने एनेटमी पढ़नी है उसने M2 ओपन करना है, एवरीथिंग एवरी इंपॉर्टेंट टेबल डिस्कशन वाज पिंड देयर, यू कैन इजिली रीड होल ई नोट्स वर देयर। अब आप ओपन करें बट लेट्स मैं आपको दिखा भी देती हूँ जस्ट होल्ड ऑन। ओके सो ये सिर्फ पोस्ट पेपर फीडबैक है, अल्लाह करीब इंशाल्लाह ये पास भी होंगे बिकॉज दे वर वेरी गुड स्टूडेंट, हमने यू नो बहुत एफर्ट की और मुझे लगता है कि आप लोगों को नजर ही नहीं हो रहा है। चलो अपोलॉजीज। कभी कभार आप जब सेशन लेंगे तो आप देखेंगे कि स्क्रीन मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज नहीं आ रही, समटाइम ऐसा हो जाता है कि माइक म्यूट मोड पे होता है, बट फिर ना स्टूडेंट्स बड़ा जल्दी बता देते हैं, चैट बॉक्स में देखती रहती है आवाज नहीं आ रही, आवाज के मसले चलते रहते हैं, बट वो इजिली यू नो प्रैक्टिकल होते हैं। तो अभी MRCOG बन के जो एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स के फीडबैक थे ये वो है, होपफुली व्हेन दे विल शेयर देयर फीडबैक्स वंस दे विल बी सक्सेसफुल तो दे विल बी मोर एक्सीलेंट, उससे आपको बड़ा बूस्ट मिलेगा कि व्हेन दे कैन डू व्हाई नॉट वी, ये भी तो आपकी तरह ही है ना। सो वी बुक 98 स्टूडेंट्स, M14 बायोस्टैट का लास्ट हमारा था, इसमें सारे मैसेजेस वो जो इम्पोर्टेंट थे वो पेंड थे, और तो ये फीडबैक सिर्फ एग्जाम के बाद के हैं, सब्जेक्ट वाइज फीडबैक्स तो बहुत सारे हैं, तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं चाह रही हूँ कि फीडबैक्स अलग से आप अवेलेबल कर दूंगी, इफ यू वांट टू यू कैन रीड देम। ओके तो
अच्छा तो दैट इज आवर एनेटमी ग्रुप, इसमें 288 फोटोज है तो अच्छा भाई। तो नोट्स कैसे होंगे ना, लेट्स सपोज ये कहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, आपको नजर आ रहा है वैसे? यस मैम। हाँ तो अगर आप चैटिक ना खुद से पढ़े, स्नेल से भी पढ़े हैं तो वो इतनी बोरिंग लगती है, बट रीडिंग आर ई नोट्स आर वेरी यू नो एक्साइटिंग, पढ़ते हुए दिल करता है कि पढ़े, इसमें चीजें इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, और ये सिर्फ एनेटमी है लाइक। ओके आप मुझे कोई भी रैंडम सब्जेक्ट बता दे, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैम सिर्फ गायनी आपकी पढ़नी है रिलेटेड एनाटॉमी, बस और कुछ नहीं इसमें एनाटॉमी में करना? नहीं सिर्फ पेल्विस, थोड़ा बहुत एब्डोमेन, पेरिनियम और आर्म्स में सिर्फ ब्रेकल प्लेक्सस, नथिंग एल्स। वन एनाटॉमी तो पूरा सिंड्रोम है ना, इससे कैसे होगा। लेकिन अच्छी बात पता है एमआरसी जी बनी की है, ये बड़े टू द पॉइंट रहते हैं यार, यू नो जस्ट फोकस्ड ऑन OBG, anything which is relevant to OBG. कोई ऐसी चीज नहीं। इस एग्जाम की सबसे अच्छी ना ब्यूटी ही यही है कि मतलब प्रिडिक्टेबल है, कोर्स में से ही आएगा। ओके जस्ट होल्ड ऑन। चले तो नजर आ रही होगी होपफुली। अच्छा ये देखें कहाँ से शुरू करूं, मोलर प्रेगनेंसी है जैसे, ठीक है इतना बोरिंग सा है ये, लेकिन व्हेन यू विल सी आवर नोट्स यू विल सी कि एवरीथिंग इज अमेजिंग। फॉलो अप आपके लिए बड़ा, व्हेन इवन यू वर डूइंग एफसीपीएस एमसीपीएस कितना ये आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट व्हेन यू विल डू इट विद मी इट्स वेरी सिंपल। सारी जेस्टेशनल लेडीज पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के आती हैं, मतलब प्रीवियर पता नहीं कब डिलीवर करना है, आईसीटी पता नहीं कब डिलीवर करना है, बट आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को हाई क्वालिटी इस तरह के स्मार्ट कार्ड्स मिले कि सारी जेस्टेशनल एजेस आपको एक जगह पे मिल जाए, इन्फेक्शन आपको तंग ना करें। तो और सबसे बड़ी जो मुसीबत होती है एग्जाम की वो ये होती है कि सारे BMI तंग करते हैं आपको, सारी हाई डोज फोलिक एसिड की इंडिकेशंस आपको तंग करती हैं, सारी इंडिकेशंस जिसमें मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं स्मॉल पार्ट डिस्ट्रिक्शनल एज की और माइनर, डेटा इंटरप्रिटेशन में आगे देखा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ ये पांच, ये कुछ 15-20 कार्ड्स करने हैं ऑल डन, और ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है जो आपके हिस्से की एफर्ट है वही आप डन लेकिन सारे GDM के रिस्क फैक्टर्स हैं, कब क्या कराना है ओटीटी का वो क्लियर है, ठीक है सारी एंटीबायोटिक्स फाइनली तो मिक्स हो जाती है ना, फिर सब एंटीबायोटिक्स एक साथ ही ना कर लें इसी तरह। और ये अर्ली प्रेगनेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ याद में रहता है एग्जाम के वक्त PUL का क्या करना है, कब ज्यादा हो रही है कब क्या कम हो रही है, तो सारी टुगेदर इनका मतलब सारा टुगेदर टॉपिक सारी टुगेदर समझ नहीं आती किस लेवल पे क्या करना है, जल्दी करनी है, सॉल्वेंट लॉटरी करनी है, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करनी है, कब वायबल है कब अननोन लोकेशन है, सारे GBS के फिगर्स एक जगह पे आ जाएंगे। तो आई हैव गिवन माय बेस्ट फॉर दिस माय सेशंस। मैम जो आपने बुक्स बताए सारे उसी में ही से ही होंगे ना जो आपने बुक्स बताए? कोई और बुक्स तो नहीं है मैम आपके यानी कोई नोट्स और तो नहीं? नहीं बुक्स तो है, देखो बुक्स है, लिसन बुक्स है, मैंने आपको बोला थ्योरी के लिए ऑक्सफोर्ड रिवीजन है, ये एसेंशियल गाइड है, लेकिन वो बुक्स थोड़ी सी उनमें करेक्शन की जरूरत है क्योंकि अपडेटेड नहीं है। दूसरी बात ये कि उसमें ना वो पैराग्राफ में है ना ब्लैक एंड व्हाइट टेबल्स, बोल्ड नहीं है, हाईलाइटेड नहीं है, बुलेट्स नहीं है, तो पढ़ते हुए ना बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, तो मैंने इनको नोट्स फॉर्म में बनाया है, आप इनको ई नोट्स कहते हैं बिकॉज यू कैन रीड देम ऑनलाइन एज वेल। आप उनको मैम कहाँ से मिलेंगे? मैडम
मैडम जी कोई 15-16 किताबें आप आठ मेंबर्स हो जी मैम FCPS पे और MCPS पे क्लिनिकल एग्जाम्स पे लॉट ऑफ बुक्स और अगर मैं इसमें ये 14 ऐड कर दूं MRCU जीवन के बुक्स तो नाउ इट विल बी डबल सो नाउ इट्स अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल डिलीवरी है सर नेट में की सर आप ई नोट्स आप इसका हार्ड कॉपी ले लेंगे अगर आप जो है ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ लें ऑब्वियसली इफ यू आर इनटू कोर्स तो ये चीजें आपको कंपलसरी मिल रही है मतलब साथ मिल रही मैम ये इम्यूनोलॉजी और ये जो मैम पैथो है सबसे जनरल पैथोलॉजी का पोर्शन है खाली तो ये इम्यूनोलॉजी अगर पढ़नी हो आपने कहा ना पोर्शन है पैथोलॉजी के साथ तो ये कहाँ से पढ़ी जाए समझी नहीं आपकी बात मैम इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है ना मैम ये थोड़ा हमारा वीक हो गया है और अभी आता भी ज्यादा ये ना मतलब सबसे अच्छा इम्यूनोलॉजी है फायदा मैं अभी प्लान बना रही थी मुझे मारिया ने कहा इम्यूनोलॉजी पहले रखें ताकि इनको डिप्रेशन कम हो आपने सबसे पहले पहले भी क्लिनिकल मैनेजमेंट रख दी थी और फिर एम्ब्रियो रख दी थी दोनों ही मुश्किल है आप इम्यूनो से कराएं इम्यूनो तो बड़ा इजी है इनको इनको खुशी होगी तो फिर ये सही रहेंगे ठीक है सबसे आसान सब्जेक्ट इम्यूनो है ओके तो एनाटॉमी में आपने क्या आप मेरे पिक्चर भिजवा दीजिएगा बुक्स कौन कौन से वाले हैं तो जो है ना फिर हम डिसाइड ओके देख एक्चुअली देखिए ये जो बुक्स है ना इनका नाम मैंने ई नोट्स रखा है दे आर फॉर कोर्स स्टूडेंट्स जॉइन आवर कोर्स देन यू कैन बाय दीस बुक्स दे आर नॉट फॉर पब्लिक और ये इन बुक्स की समझ ही आपको विद सेशन आएगी यू विल बी लिसनिंग मी यू विल बी रीडिंग मी नहीं यू विल सिंक्रोनाइज दीस टू थिंग्स अदरवाइज शायद आपको समझ ना आए कि मैंने स्टार क्यों लगाया है मैंने हाईलाइट क्यों किया है तो यू विल सिंक्रोनाइज दीज विद माय वॉइस नोट आप सेशंस के साथ इनको सिंक्रोनाइज करेंगे करंटली ये बुक्स आर नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं में बुक्स नहीं है ऑब्वियसली वी विल यू नो सेल बुक्स वी विल हैव बेनिफिट बट मुझे वो बेनिफिट नहीं चाहिए मुझे रियल बेनिफिट चाहिए कि आपको वो समझ भी आए अच्छा ठीक है एक्चुअली थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हमें कुछ मंगवानी भी पड़ सकती हैं जो एसेंशियल और जरूरी बुक्स है ना वो आप बता दीजिए ताकि हम उसको किसी तरह से अगर यहाँ से मिल सकती है यहाँ से अरेंज करें नहीं तो हम फिर पाकिस्तान से इंटरनेशनल बुक है अमेज़न से मिल जाएगी चलिए ठीक है एक्चुअली मैंने कहा शायद कोई अगर आप नॉर्मल मेडिकल बुक शॉप से खरीदेंगे तो वो तो आपको फोटो कॉपी मिलेगी बोरिंग सी अमेज़न से मंगवाओगी बड़ी अच्छी कोर्स ज्वाइन किया तो शायद मैं भी कुछ बुक्स ऐसी हो जो हमारी हो जैसे पाकिस्तान की हैं या कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जैसे आपके हैं तो देखिए ये बुक्स जो है ना मैं 14 बुक्स खरीदना भी आप लोगों के लिए थोड़ा इशू होगा मैंने एसेंशियल बुक्स जो जरूरी हैं जिनके जो देखिए 14 के 14 सब्जेक्ट एसेंशियल है 14 के 14 सब्जेक्ट एसेंशियल है इन्हीं की छोटी छोटी बुकलेट्स है बेसिकली मेरे जो सेक्शन स्लाइड है ना वो है जी जी ओके फाइन हम फिर आपके सेशंस के साथ साथ उनको हाँ आप इनको मेरे सेशन के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे तो आपको इजी लगेगा आप साथ साथ लिख लोगे हाईलाइट कर लोगे दूसरी ऑप्शन ये है कि आप हार्ड कॉपी बाय भी कर सकते हैं पता क्या मुझे मसला पेश आया स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें पीडीएफ दें पीडीएफ तो ऑब्वियसली हम नहीं दे सकते तो फिर व्हाट वी कैन डू कोई को दरमियान का रास्ता भी तो होना बेचारे पता क्या करते हैं पूरे सेशन में बैठे स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं मैं चाहती हूँ सेशन सुने अपने इधर के एग्जाम के लिए सेशन इसी तरह ज्वाइन किया तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि हमें ये सेशंस ज्वाइन करके कितना फायदा होता है या हम किस तरह ओरिएंटेड होते हैं एग्जाम के लिए या हमें ये पता चल जाता है हमने पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है जैसे अब आपने हमें कोर्स की आउटलाइन दी है तो उसमें मुझे पता चला कि इम्यूनोलॉजी जो है वो थोड़ा मतलब छोटा सा पोर्शन है लेकिन आपने उसको शुरू में रखा तो उससे ये अंदाजा हुआ कि शुरू में हम खुद को एडजस्ट कर रहे होते हैं रूटीन सेट कर रहे होते हैं ओरिएंटेड कर रहे होते हैं तो उसमें ये अच्छा है कि ऊपर इसको रख लिया एनाटॉमी जरूरी है उसको दरमियान भी कर लिया तब हम थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुके होते हैं तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी तो इसीलिए मैं पूछी थी कि हमने ये चीजें काफी सीखी है सालों में सीखी है नहीं वही ना मैम आपकी बुक्स का जो है ना पता चलता है
मैम बुक्स का जो है ना आप एमसीक्यूज बुक भी इंपॉर्टेंट बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दीजिए, बुक्स का बना देती हूं। लेट मी एक्चुअली जस्ट गिव मी 5 मोर मिनट्स, मैं थोड़ा सा कोड लाइन दे दूंगा आपको, जस्ट गिव मी 4 मिनट्स, ठीक है। अच्छा तो देखें जो एनेटमी है ना, इसके टॉपिक की चेकलिस्ट इंपोर्टेंट डोमेन वाइज ऐसे मैंने बना दी है। आप सिर्फ ना मैं इसको बढ़ा नहीं रही एनेटमी, क्योंकि पढ़ाऊंगी तो फिर ऑब्वियसली दिल से पढ़ाऊंगी, 5-6 घंटे लूंगी पढ़ाने में, बट सिर्फ मैं अभी ओवर भी दे रही हूँ कि आपने एनेटमी में कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हैं, इनको मिस नहीं करना। एनेटमी तो बहुत बड़ा है, बट फॉर योर एग्जाम एब्डोमेन पेल्विस मेल फीमेल का कंपैरिजन, ठीक है। मैम क्या फिजियो के लिए गिनोन पढ़ना चाहिए? So I am back. अच्छा तो ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब अगर आप में आपको पता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैंने नेट में तो पढ़नी है ना, बट मैं पूरी नहीं पढ़ सकती, तो मैंने छोड़ना क्या नहीं है, ये वो टॉपिक्स हैं, ठीक है। ओके तो एनाटॉमी का ना ओवरव्यू ये है, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि अगर कोई स्टूडेंट ड्राइंग पे नहीं भी करता तो एटलीस्ट उसे ये तो बताओ ना स्टार्ट कैसे करना है, खुद से कैसे पढ़ना है। तो ये एनाटॉमी के टॉपिक्स हैं मेन, और टेक होम मैसेज ये है एनाटॉमी इज ऑल अबाउट पिक्चर, क्योंकि आपके एग्जाम में पिक्चर्स भी आती हैं कि फलाना जो है ये मसल कौन सा है, ए स्ट्रक्चर कौन सा है, इसके नीचे से कौन सी आर्टरी। तो एनेटमी में अगर आप इसको एम्ब्रियो के बाद पढ़ते हैं तो आधा काम हो जाता है, दूसरा इसको पिक्चर के साथ पढ़ते हैं, और पिक्चर भी सिर्फ नेटर की, आपके एग्जाम में नेटर की आती है, तो रैंडम में उधर की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आधी तो एनेटमी हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। जैसे आपने ब्रेकिल पढ़ा तो फिर ब्रेकिल के साथ में आप सोलर डिस्ट्रोचर के साथ रिलेट कर लेंगे, अप्लाइड पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट्स हैं पूरे एनेटमी में, जो इंपॉर्टेंट चीजें फोकस करने वाली है ना, वो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फैटिक्स, और इनके अप्लाइड है, डोंट फॉरगेट अप्लाइड। अच्छा जो आपके बाकी जो बेसिक एग्जाम है उसमें अप्लाइड नहीं आता, बट एमआर सर्जन में अप्लाइड आता है। अप्लाइड मतलब क्लिनिकल मैनेजमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन। आप ये देखें पार्ट टू में ये 30-40% आपका पूरा कवर कर रहा है। तो क्लिनिकल मैनेजमेंट, क्लिनिकल होना एमआर सर्जन एग्जाम के लिए काफी जरूरी है, स्कोरिंग करना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अप्लाइड पे हम फोकस करते हैं, और मेरे तो बेसिकली जो मेरे मैक्सिमम कोर्सेज है ना दे आर अप्लाइड, तो मुझे एमआरसीजी बन पढ़ाना है इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ओके सो 30 क्वेश्चंस तो मैक्सिमम आते हैं इससे एनाटॉमी से। तो माइंड मैप बनाए, वेरियस आपके लिए टिप्स हैं लिखी हुई है, शॉर्ट ऑफ टाइम है तो इसलिए मैं इसको हर चीज डिटेल में नहीं पढ़ा रही, बट आई मुझे पता है स्क्रीन शॉट चल रहे हैं साथ साथ। अच्छा एम्ब्रियो में क्या करना है, एम्ब्रियो में ये इसकी फेवरेट डोमेन्स हैं, ये एग्जाम फेवरेट टॉपिक हैं, बेस्ट बुक तो ऑब्वियसली ई नोट्स हैं मैडम के। इसके अलावा लैंगमैन अच्छी है पिक्चर मेमोरी के लिए, एसेंशियल तो बिल्कुल ना पढ़े, इतनी बोरिंग गंदी, और गंदी तो नहीं है ऑब्वियसली, यू नो है तो एक स्टैंडर्ड बुक, गंदी से बता दिया वाइट ब्लैक एंड वाइट, और जो यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल है वो तो बड़ी भयंकर है। अच्छा फिर ये टिप्स हैं एम्ब्रियो को पढ़ने के लिए, एम्ब्रियो में से आ जाते हैं 5-7 क्वेश्चंस, और एनाटॉमी के भी 30 बना लें, तो ये अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस ब्लॉक से। तो हाउ यू कैन यू नो टेक दीज टू सब्जेक्ट्स लाइट, अप्लाइड जरूरी है एम्ब्रियो की, ठीक है। कैसे वो गैस्ट्रो एग्जोम फेलोस बन रहा है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, कौन से
यू नो प्रॉब्लम्स हैं जो एन्यूप्लॉयडी के डोमेन में आते हैं, यहाँ हम रिलेट करेंगे हम जेनेटिक्स में और स्क्रीनिंग मार्कर्स डाउन सिंड्रोम के. तो ये बड़ा मजा आता है मुझे पढ़ाने में. फिर इसकी चेकलिस्ट्स हैं, फिर फिजियो है, फिजियो के टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम फेवरेट. आपको ये टॉपिक्स नजर आ रहे होंगे एक्चुअली, या शायद आपको समझ ना आए, ये मेरे अपने कोड्स हैं अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है ना उनके मैं साथ साथ ऐड कर रही थी, तो कुछ रहता भी है. बट एनीवे व्हेन वी विल स्टार्ट यू विल हैव एवरीथिंग. तो अगेन हाउ टू रीड फिजियो, ये इसके स्टेप्स हैं, इसमें से भी आ जाते हैं 12-15 तक क्वेश्चंस. एंडो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा था 40% एंडो से आ रहा था पेपर वन में आफ्टर एनाटॉमी, सेकेंड वॉज एंडो. ठीक है, एंडो वेरी इंपॉर्टेंट. और पता है एंडो इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है क्योंकि क्लिनिकल है ना, हर वो चीज जो क्लिनिकल है ना वो आपको अच्छी लगेगी. और जैसे हाल तो बायोस्टैट भी इजी है लेकिन वो क्लिनिकल नहीं है ना इसलिए आपको अच्छी नहीं लगती. बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल नहीं है ना इसलिए आपको अच्छी नहीं लगती. तो एंडो में बड़ा मजा आता है इसको करने में. हाउ टू रीड, इसमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं. जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को हम अप्लाइड के साथ पढ़ेंगे तो ये आपको बोरिंग नहीं लगेगी, वरना ये काफी बोरिंग है. ओके, फिर जेनेटिक्स के तरीके हैं, टिप्स हैं. मुझे लगता है कि हाउ टू यू नो रीड ईच सब्जेक्ट, इसमें भी अलग से आई शुड मेक सर्टन नो वीडियोस. तो एनी वे वेन यू विल बी इन कोर्स तो वहां पर ये चीजें हो ही जाएंगी, बट फॉर यू नो फॉर पब्लिक आई विल मेक इंशाल्लाह. बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, हाउ यू शुड स्टडी. इसमें तो देखें 10 क्वेश्चन आते हैं और बायोकेमिस्ट्री करने में बच्चे 15 दिन लगाते हैं और फिर भी नहीं आते, फिर भी रोते हैं ये इतनी बोरी, इतनी घटिया, ये फलाना डमकाना. भाई तुमने जरूर डीप जाना है, रट्टा मारो सारे विटामिंस को, एसेंशियल अमीनो एसिड्स को और उनकी मोटी मोटी बीमारियों को रिलेटेड जो उनकी डेफिशिएंसी से होती हैं, या उनके रेट लिमिटिंग एंजाइम्स और स्टेप्स ऑल डन. व्हाय वरी. ओके, सो इतने सारे साइकिल जरूर करने, मैं कौन सा बोला यूरिया साइकिल पूरा पढ़े. यूरिया साइकिल में से सिर्फ ये पढ़ना है कि अंदर क्या गया, बाहर क्या निकला, कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप है और कौन सा रेट लिमिटिंग एंजाइम है, चार चीजें याद करनी है. व्हाय वरी. डेटा इंटरप्रिटेशन में, नोब्स में, एबीजीज, ईसीजी, सीटीजी, एफगार, गाइनी में, कैरियो, पेडिग्रीज और आरएमआई स्कोरिंग, डायनामिक्स, वेरी यू विल लव इट. क्लिनिकल में फिर एंटीनेटल केयर पाथवेज, इन्फेक्शंस के पाथवेज, कनेक्शंस, लेबर, लेबर मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सीटीजी इंटरप्रेट करना आनी चाहिए और उस पर रिएक्शन भी शो करना आना चाहिए. इस पर आपके 5-6 पिक्चर क्वेश्चन आते हैं कि ये फलाना पेशेंट है, ये इसकी सीटीजी है, इसको इंटरप्रेट करो, करना क्या है, सेंटो कब लगानी है, एरम कब करना है, कब सेकेंडरी रेस्ट है, कब रोटी लेके जाना है और कब इसको रिवेट करना है, एवरीथिंग. अर्ली गायनी में से अर्ली प्रेगनेंसी है, यूबी इनफर्टिलिटी, बेसिक बेसिक चीजें ना, वेरी जो इनके डिटेल्स हैं ऑब्वियसली पार्ट टू का डोमेन है. तो बस यही हर सब्जेक्ट में मैं आपको कहूंगी कि पहले देखें इसकी औकात कितनी है, ठीक है, और फिर इसको इसके रिकॉल्स की स्ट्रेंथ देख के आप अपना सेलेक्ट करें स्टडी सोर्स. इफ यू आर नॉट, अब मैं ऑब्वियसली मेरी तो बुक है ई नोट्स, मैं तो कहूंगी इसको पढ़ लो पढ़ लो. बट अगर नहीं भी पढ़ ले, मैंने बनाई कहाँ से, ऑक्सफोर्ड एसेंशियल से बनाई है ना, तो वो पढ़ लो. बोरिंग है तो क्या, आप कलर डाल दो उसमें, हाईलाइटर इतने सारे होते हैं. ई नोट सिर्फ एक ही बुक है उसमें सारा सब नहीं, नहीं हाँ, नो एनाटॉमी के लिए डिफरेंट, एम्ब्रियो के लिए डिफरेंट. अच्छा, प्रोटीन है बेसिकली, दे आर माय सेशन स्लाइड्स. आपने वैसे भी स्क्रीनशॉट्स लिए, तीन बुक हैं नो 14 सब्जेक्ट्स आर फॉर एमआरसी जीवन एंड 14 डिफरेंट. मैंने चीजों को ऑर्गेनाइज रखा है. एक तो वो छोटी लगती है पतली पतली, वरना इतनी मोटी बन जाएगी तो बंदा वैसे कहता है तो मैंने करना ही नहीं ना. इट्स नॉट डूएबल. तो मैं चाहती हूँ लोग यू नो वो जल्दी गिव अप ना करो. मैं तो चाहती हूँ करो ही ना गिव अप. सेशन की रिकॉर्डिंग से शॉप से मिल सकते हैं आपके बुक्स या आपसे ही परचेस करने होते हैं? नो फ्रॉम एट होम. फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन ही हाईली कॉन्फिडेंशियल होती है उसकी सेशन स्लाइड्स, नोबडी विल गिव यू. और मैं एक्चुअली दरम्यान में फंस गई हूँ. मैं चाहती हूँ तुम लोग हर वक्त मोबाइल पे बिना बैठो, तुम लोग अपनी पेज मेमोरी भी बनाओ. मैं चाहती हूँ तुम लोगों का रिजल्ट भी अच्छा है. और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मेरे कॉपीराइट्स भी वायलेट ना हो, इधर उधर चीजें मेरी ना यू नो इजी टू एक्सेस ना हो, बिकॉज इस पे हम लोगों की इतनी एफर्ट लगी है हर एक के लिए जो है विदाउट कॉस्ट अवेलेबल ना हो. तो हाउ टू यू नो कीप इट यू नो इन समवेयर कि आप लोगों के लिए भी बेनिफिट हो, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट हो. तो इसका यही हल है कि आप चाहें तो इसकी हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं, वरना दूसरी ऑप्शन ये है कि आपका जो लेट्स सपोज अगर आपका पहला ग्रुप होगा
टी वन ग्रुप होगा आपका इम्यूनोलॉजी का ना, तो उस टी वन में तीन चीजें पोस्ट होंगी, सारे ई नोड्स जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और इम्यूनोलॉजी का जो होगा सेशन, दो सेशन होंगे उसके। मैं कोशिश करूंगी कि ब्रेक्स दूं दरमियान में, होगी तो एक ही दिन ही, लेकिन ढाई घंटे पढ़ाने के बाद ब्रेक होगी, फिर सेकंड सेशन होगा, मतलब एक दोपहर में या तो एक शाम में। तो वो दो सेशन, तीन चीजें आपके हर जो है ना ग्रुप में पिंड होगी, एक सेशन रिकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब वो दो लिंक्स हो गए ना क्योंकि डिवाइड किया उसको, और तीसरा उसके ई नोट्स। आप चाहें तो डोंट बाय हार्ड कॉपी, मैं कब चाहती हूँ तुम लोग हार्ड कॉपी बाय करो, जस्ट मुझे ये लगता है कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स को जिनको आई स्ट्रेन हो जाती है कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ मोबाइल स्क्रीन से, तो वो उनके लिए मुझे लगा है कि ये हार्ड कॉपी उनके लिए बेहतर है। दूसरा, आप फिल्टर लगा लें स्क्रीन पे, ब्लू फिल्टर्स भी आते हैं, तो इट्स अप टू यू। मैं चाहती हूँ कि जो मैक्सिमम बेनिफिट हो वो कैंडिडेट का। मैम रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना सेशन की? हाँ बिल्कुल, आप एमसीपीएस में थे, आपको क्या नहीं मिलती थी? हाँ यस मैम, तो बस वैसे ही है, कोई मेट हो रहा है नाम चेंज है, ठीक है। तो बायोफिजिक्स की जो है टॉपिक लिस्ट ये है, एग्जाम पेपर टॉपिक, बेस्ट बुक तो अभी नोट्स ही कहूंगी मैं, लेकिन एग्जाम पेपर टॉपिक ये सारे ही है ना, मुझे समझ नहीं आई किसको निकालूं, कभी ईसीजी में से आ रहा होता है, कभी रेडिएशन से आ रहा होता है, ठीक है, कभी यू नो इलेक्ट्रो सर्जरी से आ रहा होता है। आपको बोरिंग लगेगा बायोफिजिक्स, लेकिन आई ट्रस्ट मी यू विल लव इट, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये डायथर्मी सारे। बायोस्टैट का तो मैं फीडबैक दिखाती हूँ आपको, मतलब ये सबसे हॉरिबल टॉपिक है सबके लिए, तो मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया, मैंने कहा इसको सबसे अच्छा बना के छोड़ेंगे। अच्छा, मैंने इसको डिवाइड कर दिया पार्ट वन में, सारे फार्मूले मैं एक दिन पढ़ाती हूँ, रटवा देती हूँ, नेक्स्ट डे हम जो है स्टडीज के फार्मूलेस कर लेते हैं, ये कोहार्ट के और ये जो केस कंट्रोल के हैं ये रट लेते हैं बच्चे, गिट्टा पैटर्न। थर्ड डे फिर हम इनके फार्मूलाज जो हैं ये रेशियो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, फंडल का, तो फिर इसको तीन स्टेप्स में करते हैं, ईजी भी लगता है, कोरिलेट भी करते हैं, और जब आपको फार्मूले आते हैं तो फिर आप आराम से कर लेते हैं, और इनके निमोनिक्स भी अच्छे हैं, तो ये भी अच्छा लगेगा। पेपर टू स्टार्ट हो जाता है, पेपर टू में हमारे पास पैथोलॉजी है, जनरल पैथो से भी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पेशल पैथो से भी 10 आ जाते हैं, इम्यूनोलॉजी से भी 10 आ जाते हैं, माइक्रो से भी 12 आ जाते हैं, तो पैथो ना पूरा एक ब्लॉक है एक्चुअली 40-50 क्वेश्चन का, इसमें छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, कॉलेज इनको सेपरेट सब्जेक्ट्स लेते हैं, मतलब कॉलेज के मुताबिक पैथो डिफरेंट है, इम्यूनोलॉजी डिफरेंट है, माइक्रो डिफरेंट है, ठीक है। जनरल पैथो में ये सारे इन्फ्लेमेशन मार्कर्स, ये सारे बेसिक सेल इंजरी टाइप है, और स्पेशल पैथो में ये जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं ना जिनकी हम स्टेजिंग भी करेंगे, आती है आपके एग्जाम में, मुश्किल तो है बट वेरी गुड निमोनिक्स, तो बस ठीक है, ये हो जाती है, ये देखो हवा नहीं है। मुझे इम्यूनोलॉजी पैथोलॉजी सब में अच्छी लगती है, छोटे भी हैं, इजी भी हैं, और अगर आप वो टेबल्स करें तो वो 99% सॉल्व भी हो जाता। बेसिक पैथो की लिस्ट है, स्पेशल पैथो की ये लिस्ट है, फिर हाउ टू रीड पैथो, ठीक है, फिर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का जो फीडबैक है ना वो अच्छा नहीं था, पढ़ाया तो मैंने बड़ा अच्छा था, क्यों अच्छा नहीं था, ये बड़ा लेंथी सब्जेक्ट्स है, मतलब मैम इसको कहाँ से पढ़ना है, इसको कहाँ से पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी ई नोट्स अच्छा 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 नहीं सॉरी ऑक्सफोर्ड रिवीजन, ऑक्सफोर्ड एसेंशियल से, ओके। इसमें बस यही है कि माइक्रो में आई विल ट्राई दिस टाइम की और इजी हो जाए, मतलब हम इन्फेक्शन वो सारे जो अर्ली प्रेगनेंसी में अलग कर लेंगे, डिलीवरी वाले अलग कर लेंगे, जो नॉन एस्टिडी है जैसे कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस फंगल चंगल ये अलग कर लेंगे, और जो सारे एस्टिडी हैं उनको अलग कर लेंगे, ठीक है, और इसमें एच आई वी अलग ही रख लेंगे, जब एच आई वी इसमें डालो तो फिर पूरा मिक्स हो जाता है, मतलब वो एच आई वी कोई अलग से काफी बड़ा है, फिर सारे वो इन्फेक्शन जो अल्सर कराते हैं उनको अलग कर लेंगे, वो सारे इन्फेक्शन जो नॉर्मलिस कराते हैं वो अलग कर लेंगे, फिर मुझे लगता है ये ज्यादा ईजी हो जाएगा फिर, वरना माइक्रोबायोलॉजी एंड पे रुला देती है, वो सारे जो जिनका स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्चार्ज है और उनकी अपनी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है वो अलग कर लेंगे, ठीक है, पिक्चर्स के साथ करेंगे तो वो ज्यादा इजी लगेगा, जैसे पार्वो की पिक्चर्स, सिफिलिस की पिक्चर्स वगैरह। और फिर सबसे जो माइक्रो में मुझे जो फीडबैक मिला ना वो ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दो इन्फेक्शन कम हो रहे हैं, बाकी दो इन्फेक्शन थर्ड ट्राइमेस्टर में कम ज्यादा हो रही हैं, तो एंड पे वो क्या होता है सारे ही मिक्स हो जाते हैं, कौन सा पता नहीं फर्स्ट में ज्यादा हो रहा है। अच्छा, फिर ये भी होता है कि जो फर्स्ट में ट्रांसमिट ज्यादा होता है वो इम्पैक्ट कम करता है,
तो ये चीजें एंड में मिक्स हो जाती है. आई विल मेक श्योर कि दिस टाइम कुछ ऐड करूं अपने मोर यू नो टेबल्स ऑन दिस कि आप लोग इजी हो जाए. बट माइक्रो को हम टाइम देंगे. माइक्रो फिर आपके पार्ट टू के लिए भी इम्पोर्टेंट है. टर्मिनोलॉजी के टॉपिक्स हैं, फिर ये माइंड मैपिंग बताई हुई है, फिर छोटा है इसमें है क्या टाइप्स हैं, हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है और थोड़ी बहुत अप्लाइड है. प्रथम सबसे ज्यादा बड़ी खुशी होती है 2 घंटे का सेशन होता है. फार्मा लंबी तो है लेकिन इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट टू डू कि कौन सी ड्रग्स हैं इंपॉर्टेंट गायनी के रोग्स की और उनकी क्या मैकेनिज्म है और साइड इफेक्ट्स हैं. और जो अननेसेसरी टाइम है ना फार्माकोकाइनेटिक्स डायनामिक्स में, उसमें से 2 क्वेश्चंस तो आते हैं, उसके लिए इतना रायता नहीं बखेरना. उससे ज्यादा अच्छी एनर्जी हम बायोस्टैट को दे देंगे. बाकी FDA ड्रग्स इंपॉर्टेंट है इसमें. फिर दोबारा से बस यही हो गया. टाइम 3 मंथ्स को देते हैं ना कम से कम. देखा नहीं कितना ज्यादा 14 सब्जेक्ट्स हैं, अब इतना तो होना यार. बाकी फिर जो 5 महीने ठीक है. दैट वाज अबाउट टुडेज ओरिएंटेशन सेशन. मैंने बिल्कुल आपसे सच सच्ची बातें की है तो होपफुली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी. और मैम आपकी और डॉक्टर मौर्य के डेज बता दें प्लीज, 15 जुलाई तक के बाद स्टार्ट हो. ये एक्चुअली डिटेल्स है ना. मैक्सिमम आपके सब्जेक्ट्स मेरे साथ ही होंगे. मारिया अच्छी है पास पेपर डिस्कशन में, तो वो पास पेपर क्रैश कोर्स में हर रोल इज मोर यू नो सिग्निफिकेंट. और कम थ्योरी कोर्स में मैक्सिमम सेशंस आर विल बी विद मी. बट टीम वर्क है ऑब्वियसली. सिर्फ हमने थ्योरी तो नहीं करनी, हमने साथ में MCQ भी करने हैं. तो मारिया जो है डेली एक्टिविटीज में आपके साथ हो. Okay, so all the best. अब आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं. मैम ये जैन के बाद वाला टाइम जो है ये जुलाई में ही आएगा इनका, और ये इनकी जो जैन जुलाई नेक्स्ट ईयर की जुलाई वाला टाइम है इसकी ये कब आती है? हाँ अभी नहीं होगा ना, अभी तो है ये जुलाई 4 जुलाई को ही होगा अप्रोक्सीमेटली 4 जुलाई. मैम क्या गेनोन भी लेना चाहिए फिजियो का या जरूरी नहीं है? नहीं नहीं इतना मत पखेरो, एसेंशियल बहुत सफिशिएंट बुक है प्लीज. वो भी हो जाए तो बड़ी बात है. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एसेंशियल एक तो ऑक्सफोर्ड रिवीजन नोट्स है और एक एसेंशियल है, तो कौन सा है? दोनों लेने? नहीं नहीं देखो एक ऑक्सफोर्ड एसेंशियल गाइड है, वो थ्योरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है. एक रिवीजन नोट्स है वो भी ऑक्सफोर्ड की है, वो उसमें शॉर्टकट्स हैं, वो समझ नहीं आती विदाउट यू नो लेक्चर, और उससे ना अच्छा, चीजें कंप्लीट भी नहीं होती. तो अगर आप तो ये यानी 2011 का ही है ना मेरे ख्याल से, उसके बाद तो कोई वो नहीं है. वो अपडेट नहीं आया. देखिए 2011 के बाद तो दुनिया चेंज हो गई है 10 सालों में, लेकिन रिव्यू नहीं है. या अमेज़न पे शायद अवेलेबल है अपडेटेड. अब वो 20-30 हजार की क्लोथी बुक आती है वहां से, तो फिर बच्चे लेते नहीं है. फिर जो लोकल कॉपीज अवेलेबल है शॉप पे जो 10 साल पुरानी है वही अवेलेबल है, वो भी फोटो कॉपीज वहां से पढ़ते हैं. तो ये थोड़े से मसले हैं. तो अगर आपने कोई भी देखो कोई भी कोर्स लेते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि आपको अप टू डेट करें क्या चीजें चेंज हुई. ठीक है तो डेफिनेटली दे देंगे आप अपडेट करेंगे. तो दैट वाज अबाउट आवर बायोस्टैट फीडबैक. मतलब सबसे हॉरिबल सब्जेक्ट है सबके लिए, बट ये हमारे लिए बहुत अच्छा था. ओके सो प्लीज ई-बुक शेयर कर लीजिएगा. वो उसके ई-बुक ऐसे शेयर हो जाती है. मैं आपको ई-बुक के बारे में ना अलग से सेशन होगा. मुझे ई-बुक का सिर्फ मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ना इशारा दिया है, बट डिटेल ई-बुक की वर्थ ये आप लोगों को इंशाल्लाह समझ जाएगी. अब अगर एक भी ई-बुक पढ़ लेंगे ना उसके बाद ये आपको मैं अपडेट. मैम क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो हम चाहते हैं कि हम जैसे इम्यूनिटी हम स्टार्ट करेंगे. अगर जैसे आप लोग मंगवाएंगे ना तो आप लोगों को सिर्फ एक बुक नहीं भेजूंगी मैं, फिर 6 की 6 भेजूंगी ताकि आपके कोरियर चार्जेस खत्म हो ना. 6 बुक्स एक साथ ही मंगवाएंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम पूरा कोर्स बता दें. मैं आपको बता दूंगी, जो मेरी टीम है ना वो इन चीजों को हैंडल कर रही है, वो बता देंगी. आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स फॉर ई बुक्स.
तो हम इसको दो हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया. फर्स्ट टाइम यू कैन एक्सेस सेवन बुक्स, देन सेवन बुक्स. तो एक दफा में आपको सेवन बुक्स मिल जाएंगे. तो वरना तो हर हर बुक को अलग से मंगवाएंगे तो 14 टाइम्स कोरियर चार्जेस भर भर के तो फोर्टी हो जाओगे. हम लोग तो एक ही टाइम मंगवाएंगे क्योंकि बाहर मंगवाएंगे तो एक ही टाइम. नहीं 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 नहीं, एक टाइम नहीं, वो फिर वेट ज्यादा हो जाता है. तो ये सेवन बुक्स एक टाइम, सेवन फिर नेक्स्ट टाइम. ओके चले. ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट. इफ यू वांट टू ज्वाइन अस तो हाँ, ये दिस इज आर नंबर, नजर आ रहा है 03014843695. अगर आप इंटरनेशनल किसी कंट्री में, मतलब आउट ऑफ पाकिस्तान है, तो फिर आप 0092 मिला लें. ठीक है, प्लस 92. ओके नाउ प्लीज. अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा था तो फिर सफिया और फायजा आप इसका जो है ना फीडबैक डाल दीजिएगा.